हेलो एवरीवन माय नेम इज नदीम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अकेडमिया तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपनी क्लास सिक्स चैप्टर नंबर टू चैप्टर नंबर वन हमने कंप्लीट कर लिया है आज हमारा चैप्टर नंबर टू चलेगा जिसके अंदर हम पढ़ेंगे ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स तो हम देखेंगे ग्लोब किसको बोलते हैं लेटिट्यूड किसको बोलते हैं और लॉन्गिट्यूड किसको बोलते हैं ठीक है थीके? इससे पहले हमने सोलर सिस्टम के बारे में जाना था लेकिन ये वाला जो चैप्टर ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है इससे आपकी जो फाउंडेशन है वो बनेगी ज्योग्राफी के अंदर ठीक है और काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये लाइफ में कभी ना कभी या फिर जब भी आप मैप देखोगे जब भी आप किसी लोकेशन को लोकेट करोगे तो आपको हमेशा ये वाला चैप्टर काम में आएगा ठीक है लेटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं ज्योग्राफी के अंदर ठीक है तो हमारी जो बुक है उसके कॉन्टेंट है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम ये हमने कंप्लीट कर लिया है आज हम करेंगे ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स चैप्टर है ठीक है इसके बाद हम ये सारे चैप्टर्स कवर करेंगे वन बाय वन तो ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स को शुरू करते हैं तो इसमें कौन कौन सी हेडिंग्स है इसमें एक तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे इस वीडियो के अंदर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड जब हम लैटीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें जो uh, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लैटीट्यूड्स हैं हमारी ग्लोब के ऊपर हमारी पृथ्वी के ऊपर उसके बारे में जानेंगे हम देखेंगे कि अलग अलग हीट जोन्स होते हैं अर्थ के ऊपर वो कौन कौन से हीट जोन होते हैं और वो कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं एक दूसरे से फिर उसके बाद वट आर लॉन्गिट्यूड्स के बारे में हम जानेंगे लैटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स मिलकर जो है हम किसी भी प्लेस को जान सकते हैं वहां का कि उस प्लेस की लोकेशन क्या है ठीक है उसके बाद देखेंगे कि लॉन्गिट्यूड जो होते हैं वो टाइम से किस तरीके से रिलेट करते हैं उनका टाइम के साथ कैसे कनेक्शन होता है ठीक है ई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम उसके बाद देखेंगे कि इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो हमें क्यों निकालना पड़ा या फिर स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है इंडिया का तो आज हम पढ़ेंगे ग्लोब लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड का इंट्रोडक्शन तो सबसे पहले हम हेडिंग को अंडरस्टैंड करते हैं ग्लोब किस को बोलते हैं बच्चों ग्लोब बोलते हैं जो हमारी पृथ्वी है जो हमारी रियल पृथ्वी है, है उसका एक कह सकते हैं कॉपी उसकी एक कॉपी या फिर उसका एक मिनिएचर फॉर्म कह सकते हैं या फिर रेप्लिका कह सकते हैं मतलब हमारी जो पृथ्वी है उसके रेप्लिका को ग्लोब बोलते हैं जैसे ये यह यहां पर एक क्या दिख रहा है यहां पर एक ग्लोब देखने को मिल रहा है आपको ठीक है ये क्या है बच्चों एक ये ग्लोब है ये ग्लोब हमको क्यों जरूरत पड़ती है क्योंकि हम पृथ्वी को तो अपने हाथ में लेकर सब कुछ देख नहीं सकते लेकिन ये जो ग्लोब है इसको अपने हाथ में लेकर हम देख सकते हैं कि कौन सी कंट्री कहां पर लोकेट करती है हमारा इंडिया है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ये एशिया का कॉन्टिनेंट है पूरा ठीक है जापान किधर है ऑस्ट्रेलिया किधर है तो इस ग्लोब की मदद से हम इजिली लोकेट कर पाते हैं कि कौन सी जगह कहां पर है ठीक है तो ग्लोब का काफी अच्छे तरीके से इंपोर्टेंस होता है जियोग्राफी के अंदर अब जैसे मैं आप बच्चों से पूछूं कि दुबई कहां पर है अब मैं आपको यह वाला ग्लोब दे देता हूं और पूछता हूं आपसे बच्चों दुबई कहां पर है तो कुछ बच्चे होंगे जिनको पता होगा वो तो बता देंगे ठीक है लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो दुबई को लोकेट नहीं कर पाएंगे ठीक है तो ऐसा कैसे हो कि सारे के सारे बच्चे अगर मान लो क्लास के अंदर थर्टी बच्चे हैं तो ऐसा कैसे हो कि पूरे के पूरे बच्चे यानी कि थर्टी स्टूडेंट्स दुबई की लोकेशन को लोकेट कर ले ऐसा क्या तरीका होता है तो वो तरीका यही होता है बच्चों लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स अब उूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं अब यहां पर एक ग्लोब है एक तरीके से यहां पर एक ग्लोब है ठीक है अब ग्लोब के ऊपर हम कुछ लाइंस बनाते हैं जैसे एक लाइन यह होगी ठीक है दूसरी लाइन ये होगी तीसरी लाइन यह होगी फोर्थ लाइन ये होगी फिफ्थ लाइन यह होगी एंड सो ऑन आगे भी इसी तरीके से लाइन होती है ठीक है तो ये जो इस तरीके से जो लाइन होती है जो लेटी हुई होती है एक तरीके से आप याद कर सकते हैं जो लेटी हुई लाइन होती है इस तरीके से उसको बोलते हैं लैटीट्यूड्स लैटीट्यूड्स ठीक है जो लेटी हुई लाइन इस तरीके से होती है उसको बोलते हैं लेटिट्यूड वो इधर भी होती है ये सारी क्या है बच्चों ये सारी है लेटीट्यूड्स ठीक है जो लेटी हुई लाइन होती है वो होती है लेटीट्यूड्स अब लोंगीट्यूड्स क्या होती है लोंगीट्यूड्स होती है वो जो इस तरीके से जो लाइन होती है लंबी बिल्डिंग की तरह जो लॉन्ग लॉन्ग लाइन्स होती है इस तरीके से इसको बोलते हैं बच्चे लोंगिट्यूड्स ठीक है ये जो लाइंस हैं इस तरीके से जो यहां पर बनी हुई हैं ग्लोब के ऊपर ये कह ये कही जाती है इनको लोंगी longi, लोंगिट्यूड्स अब इन लैटिट्यूड्स और लोंगिट्यूड्स का हमें जरूरत क्यों पड़ती है ठीक है अगर हम पृथ्वी के ऊपर देखें तो पृथ्वी के ऊपर क्या हमको ये लाइन देखने को मिलेगी नो no. हमारी जो रियल पृथ्वी है उसके ऊपर ऐसी लाइन नहीं है ये लाइन हम इंसानों ने बनाई है ये इमेजिनरी लाइन है ठीक है कैसी लाइन है एक इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड है ठीक है ये इंसानों की इमेजिनेशन है कि इस तरीके से लाइन होनी चाहिए ग्लोब के ऊपर या फिर अर्थ के ऊपर जिससे हम लोकेशन को लोकेट कर पाए ठीक है अभी इमेजिनरी लाइन है ये अर्थ पे अर्थ पे जो है एग्जिस्ट नहीं करती ठीक है लेकिन ये जो हमने ग्लोब के ऊपर बनाई है ताकि हम अच्छे तरीके से किसी लोकेशन को लोकेट कर पाए उसको हम वन बाय वन अंडरस्टैंड करेंगे आगे की अपनी स्लाइड्स में ठीक है तो अभी आपको क्या जानना है सिर्फ ये होता है ग्लोब जो कि अर्थ का कॉपी होता है ठीक है और ये जो लेटी हुई लाइन होती है इनको बोलते हैं लैटीट्यूड और ये जो लंबी लाइन होती है इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड अभी आपको सिर्फ इतने फैक्ट याद रखने हैं ठीक है नेक्स्ट चलते हैं अपना इंट्रोडक्शन के ऊपर अब हमारे इंट्रोडक्शन है सो इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव रीड दैट अवर प्लेनेट अर्थ इज नॉट अ स्फेयर अब जैसे हमने अपने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था बच्चों जो हमारा अर्थ है वो स्फेयर नहीं है मतलब पूरा स्फेयर इस, इस तरीके से नहीं है वो जियोइड शेप में है अब जियोइड शेप क्या होती है जेइड शेप होती है बच्चों अर्थ लाइक -like शेप अर्थ लाइक -like शेप को बोलते हैं जियोइड शेप अब अर्थ लाइक -like शेप क्या है अर्थ लाइक -like शेप कुछ इस तरीके से होती है देखो बच्चों जो नॉर्थ होता है ये थोड़ा यहां से दबा हुआ होता है और जो साउथ होता है ये भी थोड़ा दबा हुआ होता है और ये जो ईस्ट और वेस्ट की तरफ से ये थोड़ा बल्ज होता है कैसे होता है बल्ज ठीक है यहां से थोड़ा निकला हुआ होता है और ऊपर से जो नॉर्थ और साउथ से थोड़ा दबा हुआ होता है तो इस शेप को कहते हैं अर्थ लाइक शेप या फिर जोइ शेप इस शेप को बोलते हैं जोइ शेप ठीक है अर्थ प्रॉपर स्पेयर इस तरीके से नहीं होता ठीक है ये तो हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको बना देते हैं ताकि हम जो है बच्चों को समझा पाए और खुद भी समझ पाए लेकिन अर्थ के एग्जैक्ट जो शेप होती है वो ये नहीं होती वो कुछ इस तरीके से होता है नॉर्थ और साउथ से थोड़ा दबा हुआ होता है और साइड से थोड़ा बल्ज होता है यानी कि थोड़ा निकला हुआ होता है ठीक है सो इट इज स्लाइटली एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल जैसे मैंने आपको बताया नॉर्थ पोल और साउथ पोल से थोड़ा क्या होता है यह फ्लैटन होता है ठीक है थोड़ा फ्लैट एंड होता है थोड़ा चपटा होता है थोड़ा दबा हुआ होता है और एंड बल्ज इन द मिडल और ये जो मिडल है इसकी यहां से थोड़ा बल्ज होता है ये ठीक है कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स यस वी कैन इमेजिन हाउ इट लुक्स हाउ सो अर्थ हमारी कैसे दिखती है वो इस तरीके से दिखती है ठीक है यू मे लुक एट अ ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम अब आपने ग्लोब को देखा होगा बच्चे अपने क्लास में देखा होगा अपने स्कूल में देखा होगा या फिर कॉलेजेस में जब आप जाओगे वहां पर देखोगे या आपके जो आए उनके ऑफिस में देखा होगा या अपने घर पे देखा होगा क्या इस तरीके का आपको एक खिलौना कह सकते हैं इसको खिलौना ये जो खिलौना है ये एक ग्लोब है खिलौने का नाम होता है ग्लोब ठीक है बच्चों तो इसको बोलते हैं ग्लोब आपने एक ग्लोब देखा होगा ये ग्लोब क्या है ये अर्थ की एक मिनिएचर फॉर्म है मिनिएचर फॉर्म यानी कि कॉपी है अर्थ की एक स्मॉल फॉर्म है या फिर एक रेप्लिका है अर्थ का ताकि हम जो है पूरे संसार को अपने देख सके अपने पास रखकर ठीक है तो ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ और ग्लोब इज द मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ ठीक है आपको इतना समझ में आया कि जो अर्थ होती है वो फ्लैट होती है नॉर्थ पोल साउथ पोल से बल्ज होती है बीच में से और जो ग्लोब होता है वो अर्थ का रेप्लिका होता है ठीक है इतना आपको आई थिंक अभी तक समझ में आ गया होगा अब चलते हैं जो ग्लोब्स जो होते हैं हमारे वो साइज में और टाइप में बड़े भी हो सकते हैं छोटे भी हो सकते हैं कुछ कुछ जो ग्लोब होते हैं वो काफी बड़े होते हैं जो साइंटिस्ट यूज करते हैं अपनी लेबोरेटरी में बच्चों तो वो ग्लोब काफी बड़े होते हैं ये वाला ग्लोब देखिए ये आपके टेबल पर आ जाएगा एक कोने में और ये काफी बड़ा ग्लोब है अब ये वाले जो ग्लोब है ये वाले देखिए कितने छोटे छोटे ग्लोब है ये आपकी पॉकेट में आपके जेब में भी आ सकते हैं इतने छोटे ग्लोब है आप अपने हाथ में रख सकते हैं इन ग्लोब्स को ठीक है तो जो ग्लोब होते हैं उनके साइज जो है अलग अलग होते हैं ये ग्लोब अलग तरीके से है ये ग्लोब इसका साइज अलग है और इससे भी बड़े बड़े काफी बड़े बड़े भी ग्लोब होते हैं एक एक रूम जितने भी ग्लोब हो सकते हैं ठीक है सो विच कैन नॉट बी कैरीड ईजिली जो बड़े साइज के होते हैं उनको आसानी से आप कैरी नहीं कर सकते ठीक है कुछ स्मॉल पॉकेट साइज ग्लोब हो सकते हैं कुछ बलून साइज ग्लोब हो सकते हैं जो कि आसानी से आप उनको अपने हाथ में ले सकते हैं और आसानी से उसको लेकर चल सकते हैं तो ग्लोब भी अलग अलग शेप के और अलग अलग साइज के होते हैं ठीक है अब जो एक ग्लोब होते हैं अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए यहां पर जो एक ग्लोब होते हैं ये फिक्स्ड नहीं रहते अब यहां पर एक निडल यहां पर लगी हुई है और एक निडल यहां पर लगी हुई है तो ये ग्लोब क्या करेगा ये घूम सकता है इस तरीके से अगर आप इसको यहां पर हाथ मारेंगे, तो इस तरीके से ये ऐसे घूम जाएगा इस तरीके से घूमेगा ये, रोटेट करेगा यानी कि ठीक है कौन सा मोशन रहेगा ग्लोब के इसके ग्लोब के अंदर मोशन रोटेशन तो रोटेशन वाला मोशन रहेगा किसमें ग्लोब के अंदर ठीक है जो एक ग्लोब है ये रोटेट करेगा अगर यहां पर हाथ मारते हैं ठीक है तो ये फिक्स नहीं होता ये रोटेट करता है जैसे कि लट्टू होता है ना आपने लट्टू चलाया होगा बचपन में या किसी को चलाते हुए देखा होगा या फिर जो पोटर होता है उसका व्हील देखा होगा जिससे वो दिए बनाता है जिससे मटके बनाता है उसका जो व्हील जिस तरीके से घूमता है वो भी रोटेट करता है लट्टू जो होता है वो भी रोटेट करता है उसी तरीके से ग्लोब है ये भी रोटेट करता है ठीक है और इस ग्लोब के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा ये ग्लोब हमारे पास है है क्यों रहता है क्योंकि ताकि हम अर्थ के जो फीचर्स हैं जो अर्थ के ऊपर चीजें एग्जिस्ट करती हैं उनको जान सके जैसे अर्थ के ऊपर क्या होती है कॉन्टिनेंट्स होते हैं जैसे एशिया कॉन्टिनेंट हुआ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हुआ ठीक है अमेरिकन कॉन्टिनेंट यानी कि नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट हुआ यूरोपियन कॉन्टिनेंट हुआ ठीक है तो इस तरीके जो कॉन्टिनेंट है वो हम इस ग्लोब के ऊपर देख सकते हैं जो बहुत सारी अलग अलग कंट्री होती हैं वो हम देख सकते हैं जैसे इंडिया हुआ चाइना हुआ रशिया हुआ अमेरिका हुआ सऊदी अरेबिया हुआ तो ये सारी की सारी कंट्रीज हम ग्लोब के ऊपर देख सकते हैं और जो हमारे ओशियंस होते हैं इंडियन ओशियन और नॉर्थ पैसिफिक ओशियन नॉर्थ अटलांटिक ओशियन ये सारे के सारे ओशियन जो हैं वो भी हम ग्लोब के ऊपर देख सकते हैं तो ग्लोब का बहुत ज्यादा फायदा होता है ज्योग्राफी के अंदर ठीक है तो अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्या है इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फेयर लाइक द अर्थ अब यहां से हमारा चैप्टर जो है शुरू हो जाता है ये जो क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन पे पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है यानी कि अगर मैं बोलूं कि एक ग्लोब है आपके पास बच्चों अब यहां पर आपको बताना है कि बीजिंग या फिर दुबई दुबई मान लेते हैं यहां पर दुबई कहां पर है ठीक है अब मैंने एक पॉइंट आपको एक ग्लोब दे दिया आपसे पूछा दुबई कहां पर है तो आप इस पूरे ग्लोब को देखोगे आपको पता नहीं है कि दुबई कहां पर है तो आप पूरे के पूरे ग्लोब को देखोगे और आपको दुबई नहीं मिलेगा ठीक है तो इस डिफिकल्टी को कैसे दूर करें कैसे हम जाने कि दुबई कहां पर है ठीक है उसका एक आसान सा तरीका है नाउ द क्वेश्चन अराइजेज एज हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट ये क्वेश्चन निकल के आता है कि अब उस प्लेस को कैसे ढूंढे दुबई को कैसे ढूंढे ठीक है दुबई को कैसे ढूंढे तो दुबई को ढूंढने के लिए हमें कुछ लाइंस और कुछ पॉइंट ऑफ रिफरेंस चाहिए होंगे बच्चों अब वो लाइन्स और पॉइंट ऑफ रिफरेंस क्या है वी नीड सर्टेन पॉइंट ऑफ रिफरेंस और सर्टेन लाइन्स टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ अ प्लेस अब ये सर्टेन लाइन्स जो है ये ही कहलाती हैं लैटिट्यूड्स एंड लोंगिट्यूड्स। इसी के इसी के ऊपर हमारा चैप्टर बेस्ड है ठीक है अगर मैं यहां पर कुछ ऐसी लाइन खींच दूं ये हो गया लेटिट्यूड और अगर इस तरीके से लाइन खींच दूं इस तरीके से अगर लाइन खींच दो तो ये हो गया लॉन्गिट्यूड ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि लेटी हुई जो होती है वो होती है लेटीट्यूड और जो लॉन्ग लॉन्ग होती है जो ऊपर से नीचे की तरफ आती है नॉर्थ से साउथ की तरफ आती है लोंगिट्यूड ठीक है यहां पर लिख देते हैं ये होती है लेटीट्यूड और ये हो लाइन होती है लोंगिट्यूड्स ठीक है इन्हीं की मदद से हम दुबई को ढूंढेंगे अब वन बाय वन देखते हैं सो यू विल नोटिस दैट अडल इज फिक्स थ्रू द ग्लोब इन अ टिलड मैनर विच इज कोल्ड इट्स एक्सिस अब जैसा आपने ग्लोब के ऊपर देखा होगा बच्चों की इस तरीके की एक निडल रहती है यहां पर यहां पर और यहां पर ठीक है ये निडल क्या है ये निडल कहलाती है एक्सिस ग्लोब का यह ग्लोब का एक्सिस कहलाती है ठीक है अगर आप अर्थ को मूव करेंगे तो वह इस तरीके से मूव होगा यहां पर आप हाथ मारेंगे तो इस तरीके से घूम के ऐसे घूमे गए ग्लोब ठीक है तो इसी तरीके से ये जो रेप्लिका है जो कॉपी है इसी तरीके से हमारी पृथ्वी भी घूमती है पृथ्वी के यहां पर एक्सिस होता है ठीक है लेकिन वो दिखता नहीं है ये एक्सिस भी क्या है इमेज, इमेजिनेशन पे बेस है ये एक्सिस भी इमेजिनरी एक्सिस है ऐसी कोई लाइन नहीं होती ऐसी कोई निडल नहीं होती लेकिन पृथ्वी इसी तरीके से घूमता है जैसे ग्लोब घूमता है ठीक है तो इसके ऊपर तो लाइन होती है इसके ऊपर तो नीडल होती है ग्लोब के ऊपर लेकिन पृथ्वी के ऊपर ऐसी कोई नीडल नहीं होती ठीक है पृथ्वी अपना आप ऑटोमेटिकली नेचर के द्वारा घूमती है ठीक है सो टू पॉइंट ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासिस आर टू पोल्स नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल अगर हम ग्लोब की बात करें तो ग्लोब में जो जो नीडल है एक नीडल तो नीचे है और ये ऐसे अंदर से जाके एक नीडल यहां पर निकल जाती है ठीक है इस तरीके से अंदर जाके नीडल यहां पर निकल जाती है तो इस साइड को क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल ये नॉर्थ पोल हो गया ठीक है और इस वाली नीडल को क्या बोलेंगे साउथ पोल इस वाली नीडल को साउथ पोल यानी कि इस वाली साइड को साउथ बोलेंगे और इस वाली साइड को नॉर्थ बोलेंगे जैसे डायरेक्शन आपने पढ़ा होगा, हमारी चार मेन डायरेक्शन होती है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है ना बच्चों चार तरीके की साइड होती है तो ये ऊपर क्या हुआ ये नॉर्थ हुआ ये साउथ हुआ ये नॉर्थ पोल हुआ ये साउथ पोल हुआ ठीक है दो तरीके के पोल हो गए हमारे अब नेक्स्ट चलते हैं द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव अब देखिए ग्लोब को देखिए अब ग्लोब जो है किस तरीके से घूमता है अगर आप यहां से हाथ मारोगे तो इस तरीके से भी घूम सकता है ग्लोब तो और अगर यहां से हाथ मारोगे तो इस तरीके से भी घूम सकता है लेकिन हमारी पृथ्वी कैसे घूमती है हमारी पृथ्वी घूमती है वेस्ट से साउथ की तरफ यानी कि ये हो गया वेस्ट वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है ना कि साउथ की तरफ नहीं घूमती मैंने गलती से बोल दिया वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है यानी कि इधर से घूमेगी इस तरीके से और फिर ऐसे घूम के पीछे से फिर यहां आ जाएगी फिर इस तरीके से घूमेगी फिर ऐसे घूमेगी फिर इधर आ जाएगी ठीक है तो जो है इस तरीके से घूमेगी यानी कि अगर यहां पर सूरज है अगर यहां पर सन मान लेते हैं तो पृथ्वी क्या होगी इस तरीके से वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमेगी ठीक है और जो भी कंट्री जो भी प्लेस ईस्ट की तरफ पहले जाएगा वहां पर रोशनी पहले आएगी और जो वेस्ट की तरफ रहेगा थोड़ा वहां पर रोशनी थोड़ी बाद में आएगी ठीक है तो इस तरीके से फिनोमिना चलता है ठीक है हमारी जो पृथ्वी है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है हमारी पृथ्वी के दो पोल्स हैं एक नॉर्थ पोल, पोल है एक साउथ पोल है जो कि अपनी एक्सिस पर टिल्टेड मैनर में क्या करते हैं रिवॉल्व करते हैं अब यहां पर टिल्टेड मैनर क्यों लिखा हुआ है बच्चों टिल्टेड मैनर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो एक उसका जो नॉर्थ पोल है वो यहां पर है और साउथ पोल है उसका यहां पर ना कि साउथ पोल यहां पर इस तरीके से नहीं है इस तरीके से होगा तो फिर ऐसे सीधा सीधा घूमेगी लेकिन हमारी पृथ्वी सीधा सीधा ऐसे नहीं घूमती हमारी पृथ्वी इस तरीके से घूमती है इस तरीके से ठीक है तो इसके एक्सिस यहां पर है तो ये यह मैनर में घूमती है हमारी पृथ्वी ठीक है ये हमेशा आपको ध्यान रखना है तो अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट में हमारा इमेजिनरी अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इंटू टू इक्वल पार्ट दिस लाइन इज नोन एज इक्वेटर अब यहां से हमारी लैटिट्यूड की कहानी शुरू हो जाती है बच्चों अब फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं और इमेजिनरी लाइन कहां पर बनाते हैं अर्थ के बिल्कुल सेंटर में बनाते हैं अब सेंटर में कहां पर ये देखिए ये है पूरी हमारी अर्थ और इसका सेंटर कहां पर हो गया इसका सेंटर हो गया यहां पर यह सेंटर लाइन अर्थ की सेंटर लाइन को हम क्या बोलेंगे बच्चों इस सेंटर लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटर इस सेंटर लाइन को हम बोलेंगे इक्वेटर ठीक है ये हमेशा आपको याद रखना है ये फैक्ट्स हैं और ये कभी भी चेंज नहीं होगी हमेशा आपको इसको याद रखना है तो जब हम सेंटर में यहां पर एक लाइन बना देते हैं तो इसके दो डिवाइड हो जाता है अर्थ जो है हमारी दो हिस्से में डिवाइड हो जाती है ठीक है एक ये वाला हिस्सा हो जाता है और एक ये वाला हिस्सा हो जाता है टू तो पार्ट्स में डिवाइड होगी हमारी पृथ्वी जब हमने इक्वेटर की लाइन बीच में यहां पर ड्रॉ की और ये लाइन कैसी है इमेजिनरी लाइन है मैं बार-बार मैं आपको बता रहा हूं ये जो लाइन है रियल में एग्जिस्ट नहीं करती ये हमने इमेजिनेशन की हुई है इंसानों ने ताकि हमें जो है इसकी स्टडी करने में लोकेशन पता करने में आसानी हो ठीक है तो ये इमेजिनरी लाइन है इमेजिनरी लाइन ठीक है ये इक्वेटर होंगे अपना द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज द नॉर्दर्न हेमिसफेयर एंड द साउदर्न हाफ ऑफ एंड द साउदर्न हाफ इज नोन एज द साउदर्न हेमिसफेयर जैसे मैंने आपको बताया था चार तरीके की क्या होती है चार तरीके की डायरेक्शन होती है ये हो गया नॉर्थ ये हो गया साउथ ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट और ये लाइन क्या है यह है इक्वेटर इक्वेटर हो गया अब नॉर्थ साइड को क्या बोलेंगे इसको एक नाम दे देते हैं इसको देते हैं हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसको नाम दे दिया हमने एक हो गया साउदन हेमिस्फीयर। मतलब हमने नहीं साइंटिस्ट ने यह हो गया साउदन हेमिस्फेयर ठीक है बच्चों? हमने बीच में एक लाइन खींची इमेजिनरी लाइन जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं उसके ऊपर का जो हिस्सा है जो नॉर्थ का हिस्सा है उसको नॉर्दर्न हेमिसफेयर उसका जो साउथ का हिस्सा है उसको बोलते हैं ठीक है और ये जो दोनों हिस्से हैं नॉर्थ और साउथ के ये दोनों इक्वल इक्वल हाफ है ठीक है जितना ये है उतना ही ये है ठीक है सो देर फॉर द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेज ऑन द अर्थ अभी ये जो ये जो इक्वेटर है ये इसको हमने एक रिफरेंस पॉइंट माना ठीक है ये एक रिफरेंस पॉइंट है हमारा इक्वेटर जिससे हमने अर्थ को जो है दो पार्ट में बांट दिया एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक साउदर्न हेमिस्फीयर में तो काफी इंपॉर्टेंट रिफरेंस पॉइंट है ये इक्वेटर हमेशा हमको इसको याद रखना है कि इक्वेटर जो है काफी इंपॉर्टेंट रिफरेंस पॉइंट है ठीक है अब ये जो है जो इक्वेटर है ये सर्कुलर लाइन है यानी कि यहां से शुरू इक्वेटर जो है यहां से शुरू हुई और पीछे से ऐसे पूरी पृथ्वी में गोल घूम के सीधा यहां पे मिल गई ठीक है तो पूरी की पूरी एक सर्कुलर लाइन है इक्वेटर की ठीक है ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कोल्ड पैरल ऑफ लैटीट्यूड लैटिट्यूड आर मेजर्ड इन डिग्री अब यहां पर देखिए एक पॉइंट दिया हुआ है कि हमने यहां पर क्या किया हमने यहां पर एक इक्वेटर की लाइन बनाई इस तरीके से इक्वेटर बनाया ठीक है अब इसके ऊपर जो लाइन होगी इस तरीके से और बाकी जो लाइन होंगी इस तरीके से इनको क्या बोलेंगे बच्चों इनको बोल इनको बोलते हैं सारी लाइंस जो होती हैं, नीचे भी होती हैं साउथ साउथ हेमिस्फीयर में भी है इन सारी की सारी लाइंस को बोलेंगे पैरेलल्स ऑफ पैरेलल्स ऑफ Latitude, फिर लैटीट्यूड इन सारी लाइन को बोलते हैं पैरल्स ऑफ लेटीट्यूड अब इनको पैरल क्यों बोलते हैं क्योंकि एक दूसरे के पैरल चलती है ठीक है अगर यहां पर एक लाइन है तो ये किसके पैरल होगी ये इक्वेटर के पैरल होगी ये ऐसा नहीं होगा कि आगे चल के इक्वेटर से ऐसे मिक्स हो जाए इस तरीके से नहीं होगा ये कभी भी मिक्स नहीं होती पैरल लाइन कैसी होती है बच्चों जो सीधी सीधी चलती रहे और एक दूसरे से कहीं पर भी जाकर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर जाकर एक दूसरे से कनेक्ट ना हो तो ये जो है है लाइन ठीक है इक्वेटर के पैरल है और एक दूसरे से भी पैरल है ये ये इन्हें क्या बोलते है? बोलते हैं हैं क्योंकि लेटे हुए हैं ठीक है अब आगे चलते हैं और ये जो लैटीट्यूड uh, इनको डिग्री में नापते हैं जैसे ये इक्वेटर हो गया अब यहां से अगर जो एक डिग्री का यहां से एक और पैरल ऑफ लैटिट्यूड गया एक डिग्री फिर एक और पैरल ऑफ लैटिट्यूड निकाला हमने दो डिग्री फिर इसी तरीके से तीसरा पैरल ऑफ लेटीट्यूड uh, निकाला तीन डिग्री तो इसी तरीके से ऐसे चलते 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 यहां पर जो लास्ट पॉइंट होगा जो हमारा नॉर्थ पोल होगा वो 90 डिग्री पर जाकर समाप्त होगा ठीक है इसी तरीके से जो हमारा साउदर्न मोस्ट पॉइंट होगा वो हमारा 90 डिग्री पर जाकर समाप्त हो गया यानी कि कंप्लीट हो जाएगा 90 डिग्री पर जाकर ठीक है तो इस तरीके से वन डिग्री से जीरो डिग्री फिर वन टू थ्री फोर फिर नाइन्टी डिग्री तक इस तरीके से जाता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल तक ठीक है अब हमारा नेक्स्ट जो फैक्ट है द इक्वेटर रिप्रेजेंट द जीरो डिग्री लैटिट्यूड अब जैसे हमने देखा कि इक्वेटर हमारी क्या है एक रिफ्रेंस पॉइंट है अर्थ को दो हेमिस्फीयर में बांटने के लिए तो इक्वेटर किसको रिप्रेजेंट करता है जीरो डिग्री को उसके ऊपर एक डिग्री दो डिग्री तीन डिग्री चार डिग्री से ऐसे होते 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 नाइन्टी डिग्री तक जाता है और नाइन्टी डिग्री पे क्या है नॉर्थ पोल है इसी तरीके से इक्वेटर जीरो डिग्री है अगर हम साउदर्न हेमिसफेयर में जाए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट इस तरीके से होते होते नाइन्टी डिग्री पर पहुंच जाएंगे तो ये क्या हो गया साउथ पोल क्या होता है नाइन्टी डिग्री पर होता है ठीक है तो इस तरीके से हम देखते हैं इन लैटिट्यूड को सिंस द डिस्टेंस सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू ईदर ऑफ द पोल इज वन फोर्थ ऑफ अ सर्कल अराउंड द अर्थ अब यहां पर हमको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये यहाँ पर आपको थोड़ा सा अटेंशन चाहिए ताकि आप इस लाइन को काफी अच्छे तरीके से समझ पाए मान लो ये हमारी पृथ्वी है ठीक है अब पृथ्वी पूरी है और स्पेयर जो है कितना होता है पूरा 360 डिग्री का होता है 360 डिग्री का एक पूरा स्पेयर होता है बच्चों ठीक है ये हमेशा याद रखना है आपको अगर हम इसका आधा कर दे इस इस को आधा कर दें इस तरीके से यह हो गया हमारा आधा स्पेयर अब आधा स्फेयर कितने डिग्री का होता है आधा स्पेयर होता है बच्चों वन एट्टी डिग्री का ठीक है और अगर जो इस आधे स्फेयर में से भी हम इसको भी आधा कर देते हैं मान लीजिए ये इसको आधा करके इतना कर दिया इसको भी आधा कर दिया तो ये क्या हो गया बच्चों ये हो गया नाइन्टी डिग्री ठीक है थ्री सिक्सटी डिग्री का आधा किया तो वन एट्टी डिग्री और 180 डिग्री का भी आधा किया तो 90 डिग्री ठीक तो है तो इसमें क्या बताया गया है इसमें यह बताया गया है कि यह जो हमारा इक्वेटर है और इक्वेटर से लेके नॉर्थ पोल तक 90 डिग्री होता है इक्वेटर से लेके नॉर्थ पोल तक 90 डिग्री और इक्वेटर से लेके साउथ पोल तक भी 90 डिग्री ठीक है तो यह यहां पर बताया गया है और फिर अगर हम यहां से बात करें साउथ पोल से इक्वेटर तक ये भी नाइन्टी डिग्री होता है और यहां से इक्वेटर से नॉर्थ पोल तक ये भी 90 डिग्री होता है तो 90, 90, 90, 90, 90 मिलकर क्या हुआ 360 डिग्री हो गया ठीक है सो so, यही था यहां पर ये फैक्ट इसको आपको हमेशा याद रखना है दस 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थन पोल एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क्स द साउथन पोल अगर हम इक्वेटर से बात करें 90 डिग्री तक जाएं तो यह हो गया नॉर्थ पोल और हम इक्वेटर से साउथ की तरफ जाए तो यह भी हो गया नाइन्टी डिग्री साउथ पोल ठीक है नाइन्टी डिग्री साउथ पोल हो गया और ये नाइन्टी डिग्री नॉर्थ पोल हो गया ठीक है तो हमेशा आपको ये याद रखना है अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट में हमारा ए सच ऑल पैरल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कोल्ड नॉर्थ लेटीट्यूड्स अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हमारे इक्वेटर है इसको हम जीरो मानते हैं जीरो डिग्री अब इसके ऊपर जितने भी पैरल्स होंगे जितने भी पैरेलल्स लैटिट्यूड्स होंगे ये ये इनको क्या बोलेंगे इनका नाम होगा बच्चों क्योंकि ये नॉर्थ की साइड है तो नॉर्थ लैटिट्यूड हो गया इनका नाम नॉर्थ लैटिट्यूड्स नॉर्थ की साइड हुए यानी कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में हुए तो नॉर्थ लैटिट्यूड और अगर यही पैरेलल साउथर्न हेमिस्फीयर में हुए ठीक है इसी तरीके से अगर पैरल यहां पर बनाए तो इनको क्या बोलेंगे इनको बोलेंगे साउथ लेटीट्यूड ये हो गए साउथ लेटिट्यूड पूरा डायरेक्शन पर बेस्ड है ठीक है नॉर्थ में है तो नॉर्थ लैटीट्यूड साउथ में है तो साउथ लेटिट्यूड इन पैरल को बोलेंगे ठीक है और ये किसको किससे इंडिकेट किया जाएगा इनको एन से नॉर्थ में है तो एन से इंडिकेट कर दो और साउथ में है तो एस से इंडिकेट कर दो सिंपल द वैल्यू ऑफ ईच लेटीट्यूड इज देयर फॉर फोलोड बाई ईदर द वर्ड एन नॉर्थ में है तो एन और साउथ साउथ में है तो एस जनरली दिस इज इंडिकेटेड बाय लेटर एन और एस ठीक है अब यहां पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है बच्चों ठीक है फॉर एग्जाम्पल बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र अब यहां पर इंडिया है इंडिया के अंदर मान लो यहां पर एक जगह है चंद्रापुर ठीक है इंडिया के अंदर एंड बेलो हो इन ब्राजील साउथ अमेरिका अब साउथ अमेरिका के अंदर ये ब्राजील देश है अब इसके अंदर एक जगह मान लो बेलो हॉरीजोन थे मान लो ये है बेलोहरीजोन थे और मुंबई के अंदर ये है चंद्रापुर ठीक है आर लोकेटेड ऑन पैरल्स ऑफ अबाउट ट्वेंटी लेटिट्यूड अब ये दोनों ही ट्वेंटी लेटिट्यूड पर है यहां से अगर हम एक लैटिट्यूड बनाए तो ये कहां पर 20 डिग्री का लैटिट्यूड है ठीक है और यहां पर भी एक लैटिट्यूड बनाए तो ये भी 20 डिग्री लैटिट्यूड है लेकिन हमको कैसे पता लगेगा कि मुंबई का जो चंद्रपुर है वो साउथ लैटिट्यूड पर है या नॉर्थ लैटिट्यूड पर है या फिर बेलो बेलोहोरीजोन से साउथ लैटिट्यूड पर है या फिर नॉर्थ लैटिट्यूड पर है इसका सिंपल सा आंसर यह है कि सबसे पहले इक्वेटर को देखना है हमको इक्वेटर कहां पर है अगर इक्वेटर के नॉर्थ में है तो वो नॉर्थ लैटिट्यूड हो जाएगा ठीक है और अगर वो इक्वेटर के साउथ में है तो साउथ लैटिट्यूड हो जाएगा ठीक है बट द फॉर्मर इज 20 डिग्री नॉर्थ एंड द इक्वेटर एंड द लेटर इज 20 डिग्री साउथ चंद्रपुर इज सिचुएटेड एट ट्वेंटी डिग्री नॉर्थ इसीलिए हम कहेंगे कि चंद्रपुर क्योंकि नॉर्थ में है इक्वेटर के तो यह हो गया ट्वेंटी डिग्री नॉर्थ और बेलोहोरी जोनते इक्वेटर के साउथ में है तो हम बोलेंगे इसको 20 डिग्री साउथ दोनों ही ट्वेंटी डिग्री पर है लेकिन ये नॉर्थ में है ये साउथ में है तो लैटीट्यूड से हमको क्या पता लग जाता है उसकी नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन हमको पता लग जाती है किससे लैटीट्यूड से लॉन्गिट्यूड से, से नहीं लैटीट्यूड से हमको पता लगती है नॉर्थ डायरेक्शन में है या फिर साउथ डायरेक्शन में है और जैसे मैंने आपको बताया कि वी सी इन दैट एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर जैसे हम इक्वेटर से थोड़ा दूर जाते हैं द साइज ऑफ द पैरल ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीजेस अब इक्वेटर पे जो पैरेलल का जो साइज है वो सबसे ज्यादा होगा ठीक है लेकिन जैसे जैसे हम इक्वेटर से ऊपर जाएंगे तो पैरेलल का साइज छोटा हो जाएगा और ऊपर जाएंगे नॉर्थ में और छोटा हो जाएगा साइज और ऊपर जाएंगे नॉर्थ में और छोटा साइज हो जाएगा और ऊपर जाएंगे फिर और छोटा साइज हो जाएगा पैरल इसका लैटीट्यूड का ठीक है और लास्ट में हम नॉर्थ पोल पर चले जाएंगे तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं तो उसका जो साइज है वो क्या होता है वो डिक्रीज होने लगता है ठीक है तो यही था इस वीडियो में आई होप कि आपको इसका जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा तो ये है हमारी सोशल मीडिया हैंडल्स आई एम नदीम राजा ये हमारी सोशल मीडिया हैंडल्स आई एम नदीम राजा फेसबुक पेज हमारा आई एम नदीम राजा और टेलीग्राम चैनल भी हमारा एम नदीम राजा तो आप हमको कोई भी क्वेरी यहां पर हमसे पूछ सकते हैं ठीक है और इस इसको लेक्चर अगर आपको पसंद आया हो आपको कुछ समझ में आया होगा आपको वैल्यू बढ़ी होगी आपकी लाइफ में तो हमारे जो इस वीडियो को लाइक कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सो so, ये हमारा uh, चैनल अकेडमिया सो so, अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए थैंक यू वेरी मच फॉर बींगेयर हैव अ गुड हेड बाय बाय हेलो एवरी वन माई नेम इज़ नदीम एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल अकेडमिया तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अपने क्लास सिक्स चैप्टर नंबर टू ग्लोब लैटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स लैटीट्यूड्स एंड लॉन्गीट्यूड्स का हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया है आज हम इसकी सेकेंड हेडलाइन पढ़ेंगे देखते हैं कि इसकी सेकेंड हेडलाइन क्या है तो यह है इस बुक का कॉन्टेंट हमारा जो चैप्टर चल रहा है ग्लोब लैटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स चल रहा है उसके बाद हम मोशन ऑफ द अर्थ एंड सोन सारे के सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे तो अभी जो हमारा uh, जो सब हेडिंग है जो टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट पैरल्स ऑफ लैटिट्यूड हमने इंट्रोडक्शन के अंदर देखा था कि लेटीट्यूड्स किसको बोलते हैं Latitudes, किसको बोलते हैं जैसे एक पृथ्वी है तो इसके ऊपर इमेजिनरी लाइन होती है जो इस तरीके से होती है ठीक है इस तरीके से होती है तो ये लैटीट्यूड हैं अब ये बहुत सारे लैटीट्यूड को क्या कहते हैं पैरल्स ऑफ लैटिट्यूड अब इतने सारे में इंपॉर्टेंट कौन सा है तो इस वाली वीडियो हम हम ये देखेंगे कि इतने सारे जो पैरल ऑफ हैं इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड्स कौन से हैं ठीक है जिनकी मदद से हमको अलग अलग फिनोमिना जानने को मिलता है जैसे कि हीट जोन हमको जानने को मिलता है एक फिनोमिना है हमको इनसे हीट जोन देखने को मिलता है कि कहां पर किस प्लेस पे कितनी गर्मी है और किस प्लेस पे कितनी ठंडी है ठीक है तो देखते हैं इंपॉर्टेंट पैरल्स ऑफ लैटिट्यूड इसकी एक ही स्लाइड है इस पूरी स्लाइड में ये वाला टॉपिक कवर हो जाएगा ठीक है सो हमने देखा था कि जैसे ये एक छोटे सा ग्लोब दिया हुआ है ये हो गया आपका इक्वेटर अब ये हो गया इक्वेटर अब यहां पर बहुत सारी लैटिट्यूड्स हैं अब यहां पर देख सकते हैं यहां पर कितने सारे लेटिट्यूड्स हैं अगर आप चाहो तो इनके बीच में और भी लेटिट्यूड्स बना सकते हैं ठीक है लेकिन आ, हमने देखा कि इसमें तीन ऐसे पॉइंट थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे एक तो इक्वेटर हमने इक्वेटर देखा था जो कि जीरो डिग्री पर होता है ठीक है अगर हम यहां से इसके 90 डिग्री जाए तो एक होता है नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल होता है नॉर्थ पोल कितना होता है 90 डिग्री अगर हम इक्वेटर के साउथ में जाए 90 डिग्री तो साउथ पोल पर क्या होता है वहां पर भी 90 डिग्री होता है ठीक है और ये क्या होता है ये जीरो तो यहां पर 90 डिग्री होता है और साउथ में भी नाइन्टी डिग्री होता है तो ये तीन जो पॉइंट थे ये काफी इंपॉर्टेंट थे एक तो इक्वेटर जीरो डिग्री 90 डिग्री नॉर्थ 90 डिग्री साउथ अब इनसे अलग चार चार और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ लैटिट्यूड्स होते हैं जो कि हमको जानने चाहिए ठीक है तो सबसे पहला होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अब कैंसर के नाम से आप ये मत सोचिए यहां पे बीमारी है ये इसका नाम है ठीक है सो so, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक ऐसा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था कि ये इक्वेटर है और इसके ऊपर जितना भी ये है यह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इसके नीचे जितना भी ये भाग है दूसरा जो पार्ट है यह साउद है, हेमिस्फेयर तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ट्वेंटी थ्री डिग्री थर्टी मिनट्सो इसको इसको कैसे पढ़ते हैं बच्चों ट्वेंटी थ्री डिग्री थर्टी मिनट का साइन ये होता है ठीक है तो इसको कैसे पढ़ते हैं ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री नॉर्थ को कैसे पढ़ते हैं ट्वेंटी थ्री डिग्री थर्टी मिनट्स नॉर्थ एन का इंडिकेशन होता है नॉर्थ तो अगर हम जीरो से ट्वेंटी थ्री डिग्री थर्टी मिनट्स नॉर्थ जाए तो वो यहां पर होगा ठीक है ऐसे अगर यहां से जाए ट्वेंटी थ्री डिग्री थर्टी मिनट्स नॉर्थ तो वो यहां पर होगा तो इस वाले पैरल्स ऑफ लैटिट्यूड को बोलते हैं बच्चों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ठीक है इसके मैं फीचर बताऊंगा कि यहीं पर हमने ये क्यों चुना 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ पर ही क्यों चुना हमने हम 34 डिग्री 50 मिनट भी तो चुन सकते थे वो हमने क्यों नहीं चुना हमने सिर्फ 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ ही क्यों चुना वो उसका मैं रीजन आपको बताऊंगा अभी अभी आप ये देख लीजिए कि चार इंपॉर्टेंट पैरल्स ऑफ लैटिट्यूड कौन से हैं ठीक है तो सबसे पहला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ में पड़ता है ये ठीक है दूसरा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आप इनके नाम याद रख लीजिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये भी 23 डिग्री 30 मिनट लेकिन ये साउथ में पड़ता है इनमें क्या कंपेरिजन है जो कैंसर है वो नॉर्थ में होता है और जो कैप्रिकोर्न होता है वो साउथ में होता है ठीक है तो ये भी 23 डिग्री 30 मिनट साउथ में यानी कि यहां पर इस पॉइंट पर और अगर यहां से जीरो से देखें तो 23 डिग्री 30 मिनट साउथ वो यहां पर तो ये पूरा क्या हुआ ये कौन सा पैरेलल ऑफ लेटिट्यूड हुआ ये हुआ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकोर्न ठीक है इसी तरीके से दो हो गए अब इनके बीच में क्या ये इक्वेटर हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया अभी दो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड और हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हमको जानने चाहिए ठीक है एक है यानी कि थर्ड है ये थर्ड है आर्कटिक सर्कल आर्कटिक सर्कल कहां पर पड़ता है नॉर्थ में पड़ता है ठीक है आर्कटिक सर्कल एज सिक्सटी सिक्स डिग्री थर्टी मिनट नॉर्थ अब अगर यहां से जीरो से ऊपर जाए तो ये करीब 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 यहां पर आगे पड़ेगा सिक्सटी सिक्स डिग्री थर्टी मिनट नॉर्थ और अगर यहां से जाए तो ये इधर पड़ेगा ठीक है 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ आर्कटिक सर्कल नॉर्थ की तरफ होता है तो ये वाली जो पैरल ऑफ लेटिट्यूड है इसको क्या बोलेंगे हम आर्कटिक सर्कल ठीक है इसी तरीके से एक होता है एंटार्कटिक सर्कल एंटार्कटिक सर्कल भी एज इट इज साउथ में पड़ता है 66 डिग्री 30 मिनट साउथ 66 डिग्री 30 मिनट साउथ तो ये वाली जो पैरल ऑफ लैटिट्यूड है इस वाली पैरल ऑफ लैटिट्यूड को बोलते हैं एंटार्कटिक सर्कल ठीक है तो चार लैटीट्यूड हमने देख लिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आर्कटिक सर्कल एंटार्कटिक सर्कल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ठीक है और इनके अलावा एक इक्वेटर होता है नॉर्थ लास्ट में चले जाए नॉर्थ में तो नॉर्थ पोल होता है और साउथ के लास्ट में चले जाए तो साउथ पोल होता है उनका 90 डिग्री एन और 90 डिग्री साउथ होता है तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट ऑफ पैरलूड अब इनको इन्हीं 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ पर ही क्यों रखा गया है इस बिंदु को अब इसका रीजन हम देखेंगे कि अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे यहां पर मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं हम जो है एक सूर्य यहां पर जो सूर्य होता है वह अपनी हीट देता है ठीक है सूरज की रोशनी से क्या आती है हीट आती है किसके ऊपर पृथ्वी के ऊपर तो पृथ्वी के ऊपर जो हीट रिसीव होती है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है यहां से लेके 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से लेके इक्वेटर और इक्वेटर से लेके 23 डिग्री 30 मिनट साउथ तक जो है काफी ज्यादा डायरेक्ट हीट मिलती है अर्थ को ठीक है तो यहां पर जो है हाई टेम्परेचर रहता है यहां पर हाई टेम्परेचर रहता है दूसरों की कंपेरिजन में तो इस वाले जोन को बोलते हैं टोरिड जोन ठीक है ये जो इतना हिस्सा है इसको बोलते हैं टोरिड जोन ठीक है बच्चों इतने हिस्से को क्या बोलते हैं टोरिड जोन क्योंकि यहां पर मैक्सिमम हीट मिलती है पृथ्वी को ठीक है यहां से लेकर ये पूरा जो हिस्सा है और अगर हम थोड़ा ऊपर जाएं 23 डिग्री 30 मिनट ऊपर और 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ तक जाएं, तो यहां पर जो है सन की रेस थोड़ी स्लेंट हो जाती है यहां पर स्लेंटेड सनरेज आती है यानी कि यहां पे डायरेक्ट सनरेज नहीं आती यहां पे इनडायरेक्ट और थोड़ी झुकी हुई सनरेज आती है थोड़ी जो है उसकी हीट कम होती है लेकिन वो ज्यादा जगह घेरती है ठीक है यहां पर जो है वो जगह कम घेरती है लेकिन हीट बहुत ज्यादा होती है और इस वाले जोन में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर जाए आर्कटिक सर्कल तक तो वहां पर क्या है थोड़ी हीट कम हो जाती है लेकिन जो किरणें वो पोस्ती है तो इस वाले जोन को क्या बोलते हैं बच्चों इस वाले जोन को बोलते हैं टेम्परेट जोन तो टेम्परेट जोन बोलते हैं अब क्योंकि बोलते हैं नॉर्थ टेम्परेट जोन नॉर्थ टेम्परेट जोन इसी तरीके से जो सूर्य की किरण है वो 23 साउथ से लेकर 66 डिग्री 30 मिनट साउथ तक यहां पर भी इसी तरीके से स्लेंटेड मुड़कर जाती है ठीक है इस तरीके से थोड़ी मुड़कर जाती है तो वहां पर जो है थोड़ी हीट कम जाती है तो यहां पर जो है हीट थोड़ी कम होती है इन कंपेरिजन टू टोरिस्ट जोन टोरिस्ट जोन में मैक्सिमम हीट होती है और यहां पर थोड़ी लेस हीट होती है तो इस वाले को क्या बोलते हैं साउथ टेम्परेट जोन इस वाले जो इस ये जो पार्ट है पृथ्वी का इसको बोलते हैं साउथ टेम्परेट जोन और इस वाले पार्ट को बोलते हैं नॉर्थ टेम्परेट जोन ठीक है अब आ जाइए पोल की तरफ अब 66 डिग्री 30 मिनट साउथ से लेके अगर हम 90 90 डिग्री साउथ तक चले जाएं यानी कि साउथ पोल तक चले जाएं तो यहां पर तो सूर्य की किरणी और भी कम जाती है ठीक है यहां पर तो बहुत ज्यादा स्लेंटेड हो जाती है बहुत ज्यादा मुड़ जाती है सूर्य की किरणें तो यहां पर जो है और भी ज्यादा ठंडी होती है तो इस वाले जोन को बोलते हैं फ्रिजिड जोन और अगर हम नॉर्थ नौर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से लेकर नॉर्थ पोल तक यहां पर जो सूर्य की किरण बहुत ज्यादा स्लेंटेड हो जाती है बहुत ज्यादा मुड़ जाती है और यहां पर जो है बहुत कम हीट पहुंचती है ऐसे नहीं है कि यहां पर अंधेरा हो जाता है यहां पर उजाला रहता है रोशनी रहती है लेकिन हीट जो गर्माहट है वो बहुत कम होती है ठीक है तो इस जोन को भी बोलते हैं फ्रिजिड जोन और आपने यहां पर देखा होगा यहां पर मोस्टली बर्फ जमी रहती है फ्रिजिड जोन में एंटार्क्टिका पे भी बर्फ जमी रहती है और ऊपर नॉर्थ पोल के इधर भी बर्फ जमी रहती है क्योंकि यहां पर हीट बहुत कम पहुंचती है ठीक है और यहां पर जो है टेम्परेट जोन में थोड़ी ज्यादा हीट होती है और टोरिट जोन में सबसे ज्यादा हीट होती है तो नेक्स्ट स्लाइड का मैंने आपको यहां पर बहुत सारा हिंट दे दिया यानी कि मैंने आधे से ज्यादा आपको यहीं पर पढ़ा दिया और जब नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हीट जोन को तो वहां पर और भी अच्छे तरीके से बताऊंगा तो ये था आज का लेक्चर तो अगर जो ये हमारे इंस्टाग्राम पेज आई एम नदीम राजा आप यहां पर मेरे को फॉलो कर सकते हैं कोई भी क्वेरी हो मेरे से पूछ सकते हैं ठीक है, है? ये हमारा सब्सक्राइब uh, कर सकते हैं आप हमारे चैनल को लाइक like कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं स्टूडेंट के बीच में ये हमारा चैनल अकेडमिया ठीक है सो थैंक यू फॉर बींगेयर बाय है एवरी वन माई नेम इज नदीम एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल अकेडमी तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास सिक्स चैप्टर नंबर टू जिसका नाम है ग्लोब लैटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स इसका एक सब हेडिंग है हीट जोन्स ऑफ द अर्थ वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ठीक है तो इसके जो कॉन्टेंट है बुक के वो है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम सेकंड चैप्टर है ग्लोब लैटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स अभी हम इस चैप्टर पे हैं वन बाय वन हम इसके सारे के सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे ठीक है तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा हीट जोन्स ऑफ द अर्थ इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन और इम्पोर्टेंट पैरल्स ऑफ लेटीट्यूड्स को कंप्लीट करा दिया है तो जब हम इंपोर्टेंट पैरल्स ऑफ लेटीट्यूड को पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि कुछ पैरल लेटीट्यूड्स हैं जो किसी एक स्पेसिफिक डिग्री uh, पर जाकर मिल रहे हैं तो हमने देखा था कि उसका रीजन क्या है उसका रीजन है हीट जोन क्योंकि अर्थ से जो हीट रिसीव होती है वो अलग अलग डिग्री में होती है अलग अलग जगह पर तो जहां पर अलग डिग्री होती है वहां पर एक अलग जोन बना दिया गया है और जहां पर अलग डिग्री में रिसीव होती है हीट वहां पर एक अलग जोन बना दिया गया है ठीक है तो वहां पर पैरल बना दिए गए हैं मतलब वहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरल है ठीक है तो अभी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि मैं किन चीजों की बात कर रहा हूं ठीक है सो हीट जोन ऑफ द अर्थ सबसे पहला जो हमारा हीट जोन है वो है टोरिड जोन अब ये टोरिड जोन क्या है तो इस वाली स्लाइड में हम टोरिड जोन के बारे में पढ़ेंगे कि हीट जोन ऑफ द टोरिड जोन कहां पर लाया करता है ठीक है तो हमने कौन कौन से पैरेलल्स देखे थे हमने देखा था एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक देखा था हमने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकोन आर्कटिक सर्कल एंटार्कटिक सर्कल ये चार हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरल ऑफ लैटिट्यूड देखे थे और एक होता है इक्वेटर ठीक है एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल तो ये सेवन मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर हैं ठीक है लैटिट्यूड्स के तो यहां पर जो टोरिड जोन है वो टोरिड जोन की फीचर क्या है वो सबसे पहले हमको देखने की टोरिड जोन किस जोन को यानी कि इस पूरी पृथ्वी पर टोरिड जोन किस भाग को कहा गया है ठीक है सो द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड अगर हम मिड डे मिड डे सन की बात करें यानी कि जब सूरज अपने पूरे पीक पर होता है इज एक्टली ओवरहेड वो हमेशा ओवर हेड होता है एटलीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटीट्यूड इसका मतलब क्या है बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकोन इस पैरा का मतलब क्या है इस पैरा का मतलब यह है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है उसके बीच का इतना हिस्सा जो है यहां पर सूरज की जो रोशनी होती है सूरज की जो हीट होती है वहां पर डायरेक्ट आती है ठीक है इतने हिस्से में जो सूरज की रोशनी है वो क्या आती है बच्चों वो डायरेक्ट आती है अगर सूरज इस तरफ होगा तो इस तरफ से डायरेक्ट आएगी अगर इस तरफ होगा तो इस तरफ से डायरेक्ट आएगी डायरेक्ट का मतलब क्या है बिल्कुल सीधी सीधी आती है बिल्कुल हीट बिल्कुल सीधी आती है ऐसे डायगनल डायगनल शेप में नहीं आती बिल्कुल सीधी हीट आती है ठीक है तो पृथ्वी का जो हिस्सा जहां पर अर्थ की डायरेक्ट हीट आती है उस हिस्से को बोलते हैं टोरिड जोन यही सिंपल सा इसका आंसर है ठीक है अब जहां जहां पर इसका यहां पर इसका एंड पॉइंट है और यहां पर भी इसका एंड पॉइंट है ठीक है तो ये एंड पॉइंट कौन से डिग्री पर है ये एंड पॉइंट है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ तो 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ गया ट्वेंटी थ्री डिग्री 30 मिनट साउथ पे ट्रॉपिक ऑफ आ गया अब आपको पता लगा कि 23 डिग्री 30 मिनट ही हमने क्यों चुना क्योंकि ये जो इसके अंदर का हिस्सा है यहां पर अर्थ की जो हीट है वो डायरेक्ट रिसीव होती है ठीक है दिस एरिया देर फोर रिसीव द मैक्सिमम हीट इज देर फॉर कोल्ड टोरिट जोन अब टोरिट जोन इसको क्यों बोला गया क्योंकि यहां पर मैक्सिमम हीट जो है रिसीव होती है अब यहां पर आप देख सकते हैं वर्ल्ड मैप है तो पूरे वर्ल्ड में ये वाला जो हिस्सा है इसमें आधा हमारा इंडिया भी आ जाता है गुजरात से नीचे ठीक है और ये जो इतना हिस्सा है जहां पे साउथ अमेरिका अफ्रीका और इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है ठीक है और नॉर्थ ईस्ट एशिया के कुछ पार्ट ये सारे के सारे टोरिड जोन के अंडर आते हैं मतलब यहां इन एरियाज पर मैक्सिमम हीट रिसीव होती है किसकी सन की यही था टोरिड जोन के अंदर ठीक है आप देख सकते हैं यहां पर पूरी मैक्सिमम हीट रिसीव होती है ठीक है अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट हमारा जोन है टेम्परेट जोन कौन सा जोन है टेम्परेट जोन अब टेंट जोन के फीचर क्या है वो हमको देखना पड़ेगा जैसे हमने देखा कि यहां पर एक होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और दूसरा ट्रॉपिक ऑफ चलो ये तो हमने जो मैक्सिमम हीट रिसीव होती है उसके बेस पे 23 डिग्री 30 मिनट साउथ कर दिया और 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ कर दिया अब ये 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ क्यों करा यहां पर 66 पर ही क्यों करा ये वाला जो एरिया है यहाँ पर क्यों करा यहां पर इसलिए किया है क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे सन नेवर ओवर मतलब पर 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 जो सूरज की नहीं आती, यहाँ पर कैसे आती कैसे यानी कि पाथ लेकर आती है मतलब थोड़ी तिरछियों कर आती है नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटीट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जितने भी लैटिट्यूड हैं, जितने भी लैटिट्यूड हैं यहां पर ट्रॉपिक ऑफ प्रिकोन के नीचे जितने भी लेटिट्यूड यहां पर यहां पर क्या है यहां पर कभी भी डायरेक्ट डायरेक्ट सनरेज नहीं आती ठीक है जैसे ट्रॉपिक ऑफ जैसे टोरिड जोन में आती है ना डायरेक्ट सनरेज आती है डायरेक्ट हीट आती है उस तरीके से यहां पर डायरेक्ट सनरेज नहीं आती जो सन है हमारा ओवरहेड नहीं होता इस वाले एरिया में ठीक है द एंगल ऑफ द सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग जो सन की जो किरणें हैं वो यहां पर डिक्रीज हो जाती है जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो यहां पर सन है तो हाँ तो सन की यहां पर जाएंगी डायरेक्ट और यहां पर जाएंगी थोड़ी स्लेंट होकर इस तरीके से तो यहां पर जो है हीट जो है है हीट यहां पर कम हीट होगी ठीक है इसी तरीके से यहां पर भी यहां पर भी इस तरीके से स्लेंट होकर जाएंगी यानी कि तिरछी होकर जाएंगी तो यहां पर भी हीट कम होगी तो ये वो वाला एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकोन के नीचे और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर यानी कि नॉर्थ में और इसके साउथ में जहां पर टेम्परेट जोन कहा जाता है यानी कि यहां पर मोडरेट टेम्परेचर मॉडरेट टेम्परेचर होता है ना ही ज्यादा ठंडा ना ही ज्यादा गर्म ठीक है तो टोरिड जोन में जो है हाइएस्ट मैक्सिमम हीट होती है यहां पर मैक्सिमम हीट और यहां पर मॉडरेट हीट यहां पर होती है मॉडरेट हीट और यहां पर भी मॉडरेट हीट समझ में आया बच्चों ठीक है सो एज सच द एरिया बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्थन हेमेस्फेयर इसका मतलब है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर यहां तक का एरिया ये वाला जो एरिया है पूरा एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकोन एंड एंटार्कटिक सर्कल इन द साउदर्न हेमेस्फेरिया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकोन से लेकर एंटार्क्टिक सर्कल से यह वाला एरिया हैव मॉडरेट टेम्परेचर जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर मॉडरेट हीट आती है तो मॉडरेट टेम्परेचर होता है क्योंकि यहां पर सन की जो रेज है वो इस तरीके से डायगनल उसमें आती है ठीक है यहां पर हीट डायरेक्ट आती है सो देर फोर इट इज कॉल्ड टेम्परेट जोन अब एक जोन हमारा और बच गया ये ऊपर नॉर्थ पे और एक साउथ पे अब इस जोन को क्या बोलते हैं इस जोन को हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं तो हमारा जो लास्ट जोन है उसको बोलते हैं फ्रिजिड जोन फ्रिजिड जोन तो यहां पर जो है और भी कम और भी स्लेंटेड होकर सन की रेज जाती है मतलब ना के बराबर यहां पर सन रेज जाती है यहां पर ना तो डायरेक्ट आती ठीक है लेकिन यहां पर उजाला रहता है ऐसा नहीं है कि उजाला नहीं होगा यहां पर अंधेरा हो जाएगा लेकिन सन की जो रेज है वो ना के बराबर जाती है ठीक है एरिया लाइज बिटवीन द आर्टिक सर्कल एंड द नॉर्दर्न पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि आर्टिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंटार्कटिक सर्कल एंड द साउद पोल इन द साउद साउथ पोल इन द साउदन हेमोस्फेयर आर वेरी कोल्ड एंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल इन द साउद हेमोस्फेयर तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया क्या है बच्चों इसको बोलते हैं फ्रिजिड जोन क्या बोलते हैं फ्रिजिड जोन इसको फ्रिजिड जोन की बोलते हैं क्योंकि यह बहुत ही कोल्ड बहुत ही ठंडे एरिया है आपने यहां पर देखा होगा बर्फ जमी रहती है इस तरीके से यहां पर आपने देखा होगा टीवी में देखा होगा अपने कि ये वाला कौन सा एरिया है एंटार्क्टिक एरिया है और आर्कटिक एरिया यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे इस तरीके से बड़े बड़े बर्फ की चट्टान रहती है यानी कि यहां पर बहुत ही ज्यादा कम हीट रहती है यहां पर बहुत ही ज्यादा ठंडी रहती है यानी कि इट इज बिकॉज हेयर द सन डजन राइज अब दरिजोन यहां पर सन क्या करता है हॉरिजोन से ऊपर नहीं जा पाता फॉर एग्जाम्पल अगर हम साउथ पोल की बात करें ये फ्रीजिड जोन है तो सन की जो सनरेज है वो लगभग लगभग यहां यहां तक जाएगी सिर्फ अपने हो से ऊपर नहीं जा रही मतलब यहां तक सनरेज नहीं आ रही डायरेक्टली ठीक है लेकिन सन की जो रोशनी होती है उससे उजाला तो होता है ऑब्वियसली तो यहां पर उजाला तो रहेगा लेकिन सन की रेज नहीं आएगी पूरी प्रॉपर तरीके से देरफॉर इट रेज आर ऑलवेज स्लेंटेड स्लेंटिंग मीन डायगनल शेप में जाएगी इस तरीके से ठीक है एंड प्रोवाइड लेस हीट सबसे कम हीट इसी एरिया में जाती है और इस वाले एरिया में जाती है ठीक है इनको बोलते हैं फ्रिजिड जोन एरिया यानी कि वेरी कोल्ड एरिया एक बार रिकैप कर लेते हैं तो हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है इसके बीच के एरिया को मैक्सिमम हीट रिसीव होती है इसलिए इसे बोलते हैं टोरिड जोन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल तक यहां पर जो है मॉडरेट हीट जाती है इसको बोलते हैं टेम्परेट जोन इसी तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैपरिकोन से लेके एंटार्कटिक सर्कल यहां पर भी क्या है टेम्परेट जोन आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल यह है फ्रिजिड जोन और एंटार्कटिक सर्कल से साउथ की तरफ है फ्रिजिड जोन ठीक है तो यही था आज के इस लेक्चर में और आप हमेशा यह ध्यान रखना कि आर्कटिक जो होता है वो ऊपर होता है आर्कटिक आर्कटिक जो है नॉर्थ की तरफ होता है और एंटार्कटिक एंटार्कटिक ये होता है साउथ की तरफ ये हमेशा कंफ्यूज करता है बच्चों को तो आर्कटिक ऊपर होता है नॉर्थ की तरफ एंटार्कटिक जो है नीचे होता है साउथ की तरफ ठीक है तो ये था तो आज के लेक्चर में हीट जोन ऑफ द अर्थ तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरेलल्स होते हैं एक दो तो, तीन चार ये इंपॉर्टेंट पैरेलल्स है ये इंपॉर्टेंट पैरेलल्स इसलिए क्योंकि यहां पर एरिया वाइज हीट जोन बांटा गया है यहां पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम हीट होती है यहां पर कम हीट होती है यहां पर बहुत कम हीट होती है यहां पे ठंडी होती है तो इस वजह से हीट जोन ऑफ द अर्थ इन सबको माना गया है ठीक है तो ये तो आज का हमारा लेक्चर ये हमारी सोशल मीडिया हैंडल्स इंस्टाग्राम आइडिया आयम नदीम राजा आप मेरे को यहां पर फॉलो कर सकते हैं कोई भी क्वेरी हो पूछ सकते हैं फेसबुक पेज हमारा आयम नदीम राजा और टेलीग्राम चैनल है आयम नदीम राजा तो वहां पर भी हमको आप फॉलो कर सकते हैं पीडीएफ के लिए भी और कोई क्वेरी हो उसके लिए भी ठीक है अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो थैंक यू फॉर बींगेयर हैव अ गुड डे हेड बाय बाय हेलो एवरीवन माय नेम इज नदीम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अकेडमिया तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास सिक्स चैप्टर नंबर टू चल रहा है हमारा ग्लोब लैटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स इसका आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स हमने लैटिट्यूड्स को बेसिकली कवर कर लिया है इसके बेसिक्स आज हम लॉन्गिट्यूड्स के बेसिक्स देखेंगे कि लॉन्गिट्यूड्स की जरूरत हमें क्यों पड़ती है किसी भी ग्लोब पे या फिर पृथ्वी पर किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए ठीक है तो देखेंगे लॉन्गिट्यूड क्या है इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है ठीक है और इसको कैसे लोकेट करते हैं किसी जगह के लिए तो हमारा जो चैप्टर है वो हमने द अर्थ इन द सोलर सिस्टम कवर कर लिया है कॉन्टेंट है बुक का उसके बाद हमारा ग्लोब लैटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड चल रहा है इसको कवर करने के बाद हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ द अर्थ ठीक है तो आज का हमारा टॉपिक है वाट आर लॉन्गीट्यूड्स अब जैसे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक बता देता हूँ कि जो हमारे लैटीट्यूड्स होते हैं वह इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाते हैं और इक्वेटर से साउथ की तरफ जाते हैं यानी कि अगर ये हमारी पृथ्वी है तो लैटीट्यूड इस तरीके से होते हैं ठीक है इस तरीके से तो लेटीट्यूड का जो संबंध होता है जो कनेक्शन होता है वो हीट जोन से होता है लेटीट्यूड हमें ये बताते हैं कि पृथ्वी पर कौन सी जगह पर ज्यादा हीट है कौन सी जगह पर कम हीट है और कौन सी जगह पर जो है बर्फ जमती है फिर बहुत ही ज्यादा ठंडी होती है तो लेटिट्यूड का कनेक्शन किससे है हीट जोन से गर्मी से पृथ्वी के ऊपर कितना तापमान होता है कौन से एरिया में ठीक है इसी तरीके से अगर हम लोंगिट्यूड की बात करें तो लोंगिट्यूड क्या होता है लोंगिट्यूड होते हैं पृथ्वी के ऊपर इस तरीके से वर्टिकल लाइन होती है ठीक है और जो हमारा अर्थ रोटेट करता है वेस्ट वेस्ट से ईस्ट की तरफ यहां मान लो सूरज है ठीक है तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ इस तरीके से रोटेट करेगा हमारा जो पृथ्वी है इस तरीके से घूमेगी ठीक तो है तो ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं तो जो लॉन्गिट्यूड ईस्ट की तरफ होंगे वहां पर रोशनी पहलाएगी जो लॉन्गिट्यूड्स थोड़े वेस्ट की तरफ होंगे वहां पर धीरे धीरे बाद में रोशनी आएगी लेकिन रोशनी सारे लॉन्गिट्यूड पाएगी वन बाय वन ठीक है तो ये जो लॉन्गिट्यूड है ये टाइम बताते हैं हमको जो लॉन्गिट्यूड्स जो है दिन में रहेंगे वहां पे दिन का टाइम होगा जो लॉन्गिट्यूड्स जो नाइट में होंगे वहां पे नाइट का टाइम होगा ठीक है तो लोंगिट्यूड का जो कनेक्शन होता है वो टाइम के साथ होता है लॉन्गिट्यूड का कनेक्शन टाइम के साथ होता है लेटिट्यूड का कनेक्शन हीट जोन के साथ होता है आपको यह थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए लेकिन आज हम इस चैप्टर में सिर्फ वट आर लॉन्गिट्यूड्स को समझेंगे लोंगिट्यूड एंड टाइम हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं सो वट आर लॉन्गिट्यूड जैसे मैंने आपको बताया लोंगीट्यूड्स किस को बोलते हैं लोंगीट्यूड्स की हमें जरूरत क्यों पड़ती है तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक ये जो इमेजिनरी लाइन होती है ऊपर से नीचे तक यानी कि वर्टिकल लाइन जो होती हैं ये वाली इनको ही बोलते हैं सिंपल लोंगीट्यूड इनको क्या बोलते हैं बच्चों लॉन्गीट्यूड्स ये मैंने बहुत बार आपको बता दिया अभी तक तो आपको याद हो जाना चाहिए ठीक है ये लॉन्ग लॉन्ग लॉन्गीट्यूड्स होते हैं और ये जो लेटे हुए होते हैं ये लेटिट्यूड्स होते हैं इस तरीके से आप याद रख सकते हैं ठीक है टू फिक्स द पोजिशन ऑफ अ प्लेस अगर हम किसी प्लेस की पोजिशन देखनी है इट इज नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन लेटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो लैटीट्यूड होते हैं वो नॉर्थ की तरफ जाएंगे और साउथ की तरफ जाएंगे ठीक है तो हमें नॉर्थ की डायरेक्शन पता लग जाएगी उस प्लेस की और साउथ की डायरेक्शन पता लग जाएगी लेकिन हम नॉर्थ में फॉर एग्जाम्पल मान लो ये ट्वेंटी डिग्री है अब मैं बोलूं कि ट्वेंटी डिग्री पे एक प्लेस है ए ए नाम रख देते हैं अभी उसका एक प्लेस है ए अब 20 डिग्री यहां से लेके यहां तक है अब वो ए यहां भी हो सकता है यहां भी हो सकता है यहां भी हो सकता है यहां भी हो सकता है, हो सकता है। तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे लैटीट्यूड से कि 20 डिग्री पे ए ए की प्लेस कहां पर है तो उसके लिए हमें लॉन्गिट्यूड की भी जरूरत पड़ेगी हमें नॉर्थ और साउथ की पोजिशन तो पता लग जाएगी लेकिन हमें ईस्ट और, और, और वेस्ट की पोजिशन और चाहिए ईस्ट और वेस्ट की पोजिशन कौन बताता है वो बताता है लोंगीट्यूड उूड बताता है साउथ और नॉर्थ की पोजिशन और लॉन्गिट्यूड बताता है वेस्ट और ईस्ट की पोजिशन ठीक है अगर यहां पर एक एग्जाम्पल देखते हैं फॉर एग्जाम्पल टोंगा आईलैंड अब टोंगा आईलैंड है ठीक है पैसिफिक ओशियन में ये हमारा पैसिफिक ओशियन है इतना ये पूरा यहां से लेकर यहां तक जो है ये पैसिफिक ओशियन है ठीक है मोरिशियस आइलैंड इन द इंडियन ओशियन अब इंडियन ओशियन है ये ये इंडियन ओशियन है और ये पैसिफिक ओशन है ये जो मोरिशियस आइलैंड है और टोंगा आइलैंड है ये सेम लैटिट्यूड पर है यानी कि 20 डिग्री साउथ साउथ में है ये बीच में इक्वेटर होगी ये नॉर्थ हो गया ये साउथ हो गया तो अगर हम 20 डिग्री साउथ पर जाए समवेयर बिटवीन हेयर ये हो गया 20 डिग्री 20 डिग्री साउथ हो गया ये ठीक है अब यहां पर तो है मोरिशियस आइलैंड इस वाले पॉइंट पे मोरिशियस आइलैंड है ठीक है और टोंगा आइलैंड इस पॉइंट पर है अब हमने ये तो बता दिया कि टोंगा आइलैंड मोरिशियस आइलैंड 20 डिग्री साउथ पर है लेकिन हमको ये हम ये लोकेट नहीं कर पाएंगे कि वो ईस्ट में है वेस्ट में है कहां पर है ठीक है वो यहां पर भी हो सकते हैं यहां पर भी हो सकते हैं अब वो ईस्ट में है वेस्ट में वो कैसे हमको पता लगेगा वह पता लगेगा हमें लॉन्गिट्यूड से तो लॉन्गिट्यूड ईस्ट और वेस्ट की पोजिशन हमको बताता है ठीक है नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट दैम प्रिसाइसली अगर बिल्कुल प्रिसाइसली देखना है वी मस्ट फाइंड हाउ फॉर ईस्ट और वेस्ट उसका ईस्ट और वेस्ट हमको पता होना चाहिए दीज प्लेज आर फ्रॉम अ गिवन लाइन ऑफ रिफरेंस अब एक हमको लाइन बनानी पड़ेगी रिफरेंस को लेकर रिफरेंस से ताकि हम उस लाइन से पता लगा सके कि ईस्ट क्या है और वेस्ट क्या है अब लॉन्गिट्यूड में जो एक लाइन ऑफ रिफरेंस मानी गई है वो यहां से मानी गई है ये जो ब्रिटेन uh, की रोयल ऑब्जर्वेटरी है मतलब ब्रिटेन जो कंट्री है उसके ऊपर से इस तरीके से अफ्रीका से होते हुए यहां से आएगी ऐसे होते 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 यहां पे ये माना गया ये माना गया है प्राइम मेरिडियन प्राइम मेरिडियन मतलब ये फर्स्ट लाइन है यानी कि जीरो डिग्री माना गया है इस वाले, इस वाले इधर के एरिया को ईस्ट माना गया है और इससे इधर के एरिया को वेस्ट माना गया है ठीक है ये जीरो हुआ फिर उसके बाद वन टू थ्री फोर फाइव इस तरीके से होगा वन टू थ्री फोर फाइव इस तरीके से होगा ये प्लस में होंगे ये माइनस में होंगे ठीक है तो जीरो डिग्री से इधर ईस्ट है जीरो डिग्री से इधर वेस्ट है तो ये जो लाइन ऑफ रिफरेंस है ये काफी इंपोर्टेंट पैरल ये काफी इंपोर्टेंट लॉन्गिट्यूड है ये लाइन ऑफ रिफरेंस है लाइन ऑफ रिफरेंस ठीक है और इस लाइन ऑफ रिफरेंस का नाम है प्राइम मेरिडियन ठीक है इन ऑफ रिफरेंस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल की तरफ जाती है दीज लाइन ऑफ रिफरेंसिस आर कोल्ड मैरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड ठीक है अब ये जो इसको क्या बोलेंगे मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड भी बोलेंगे और प्राइम मैरिडियन भी बोलेंगे इसको मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स तो सारे मैरि सारे लॉन्गिट्यूड्स को बोल सकते हैं जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं इन सबको हम क्या बोलते हैं मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड लेकिन ये जीरो वाला है इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन और ये लाइन ऑफ है यहीं से सारे लॉन्गिट्यूड शुरू होंगे ठीक है तो ये थे फैक्ट्स इस वाली स्लाइड में नेक्स्ट चलते हैं सो द डिस्टेंस बिटवीन देम आर इन डिग्री डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड अब इनके जो डिफरेंस है उसको डिग्रीज में नापते हैं जैसे आपको पता है कि पूरा का पूरा जो एक स्पेयर होता है वो थ्री सिक्सटी डिग्री का होता है थ्री सिक्सटी डिग्री थ्री सिक्सटी डिग्री का कंप्लीट एक स्फेयर होता है तो अगर हम जीरो से शुरू करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन थ्री सिक्सटी डिग्री तक जाएगा ठीक है तो वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री फोर डिग्री टेन डिग्री ट्वेंटी डिग्री थर्टी डिग्री फोर्टी डिग्री फिफ्टी डिग्री सिक्सटी डिग्री सेवेंटी डिग्री एट्टी डिग्री नाइटी डिग्री इसी तरीके से होता हुआ पूरा स्फेयर थ्री सिक्सटी डिग्री का होगा तो प्राइम मेरिडियन जो होगा जीरो होगा और प्राइम मेरिडियन के अपोजिट वन एट्टी डिग्री होगा मतलब आधा स्फेयर हो जाएगा ठीक है तो ईच डिग्री इज डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इंटू सेकेंड यहां पर देखने की बात है कि यहां पर कुछ मैं आपको थोड़ा सा मैथ बता देता हूं टाइम से रिलेटेड तो जैसे मैंने आपको बताया कि पूरा का पूरा जो स्पेयर होता है वो 360 डिग्री का होता है और हमारी जो पृथ्वी रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है मतलब इस तरीके से रोटेट करती है हमारी पृथ्वी ये सन हो गया इस तरीके से रोटेट करती है तो हमारी जो ये पृथ्वी है वो एक डिग्री कितने देर में कंप्लीट करती है चार मिनट में एक डिग्री घूम जाएगी हमारी पृथ्वी चार मिनट के अंदर ठीक है और पंद्रह डिग्री घूम जाएगी हमारी पृथ्वी एक आर के अंदर तो एक आर के अंदर पंद्रह डिग्री घूम जाएगी हमारी कौन पृथ्वी तो इसी वजह इसी तरीके से ट्वेंटी फोर आवर्स के अंदर अंदर हमारी पूरी पृथ्वी एक बार घूम जाएगी यानी कि 360 घूम जाएगी तो एक डिग्री कितनी देर में घूमेगी चार मिनट में पंद्रह डिग्री कितनी देर में घूमेगी एक घंटे में अगर हम यहां से बात करें यह है जीरो यह है जीरो डिग्री टेन ट्वेंटी अगर पंद्रह डिग्री यहां से बीच में से लें यहां पर कहीं पंद्रह डिग्री आएगा ठीक है तो हमारी जो पृथ्वी इतनी घूमेगी कितनी देर में घूम जाएगी पंद्रह डिग्री वन आर एक घंटे में ऐसे घूम जाएगी हमारी पृथ्वी थोड़ी सी रोटेट कर जाएगी मतलब ठीक है और 24 डिग्री पूरा का पूरा जो ग्लोब है वो 24 डिग्री में घूम जाएगा मतलब 360 डिग्री जो है 24 फोर आवर में सॉरी 24 फोर आवर में पूरा 360 घूम जाएगा हमारा ठीक है तो ये थोड़ी सी महत्ता आप इसको हमेशा याद रखिए एक डिग्री में चार मिनट घूमे चार मिनट में एक डिग्री घूमेगा एक घंटे में पंद्रह डिग्री घूमेगा और चौबीस घंटे में थ्री डिग्री घूम जाएगी हमारी पृथ्वी दे आर सेमी सर्कल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीज स्पीडली पोलवर्ड अंटिल इट बिकम जीरो पोल्स अब इसको ध्यान से देखिए ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहां पर तो ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं ये सेमी सर्कल्स हैं ठीक है, है? यहां से नॉर्थ से शुरू हुआ इस तरह से आता हुआ साउथ तक जाएगा तो ये क्या हुआ ये एक सेमी सर्कल हुआ ठीक है मान लो ये जीरो है ये टेन डिग्री का लोंगिट्यूड है ट्वेंटी डिग्री का लॉन्गिट्यूड है ठीक है अब इसमें बताया गया है कि जो पोल्स पर पोल्स पर जो इनकी डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाती है और इक्वेटर पे सबसे ज्यादा रहती है यानी कि अगर हम इक्वेटर की बात करें तो यहां से लेकर यहां तक की जो इनका डिस्टेंस है वो हाईएस्ट डिस्टेंस है मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस है मैक्सिमम डिस्टेंस होता है इक्वेटर के पास और जैसे जैसे ऊपर जाता है नॉर्थ की तरफ तो यहां पर जो कम होने लगता है मतलब जिनका गैप है जिनका डिस्टेंस है वो डिक्रीज होने लगता है ठीक है इनका गैप ऊपर जाके पोल पे जाके डिक्रीज होने लगता है इक्वेटर पे सबसे ज्यादा रहता है तो इसी वजह से ये पैरल लाइंस नहीं है जैसे हमने देखा था ना लेटीट्यूड सारी इस तरीके से चलती है फिर छोटी होती चली जाती है लेकिन पैरल होती है एक दूसरे के वो कभी भी टच नहीं होती एक दूसरे से लेकिन ये जो है पोल पे जाकर मिल जाती है सारे पोल पर जाके मिलते हैं और पोल पर जाके इनकी जो गैप है वो डिक्रीज होता चला जाता है ठीक है सो जीरो पोल पर जाके मिलेंगे साउथ पोल पर भी मिलेंगे और नॉर्थ पोल uh, पर भी मिलेंगे ठीक है तो यही था आज के इस स्लाइड uh, uh, में फैक्ट अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट में हमारा अनलाइक पैरल ऑफ लेटीट्यूड ऑल इक्वल लेंथ अब जैसे हमने पैरल ऑफ लैटिट्यूड के बारे में देखा था कि लैटीट्यूड जो है वो उनकी जो लेंथ होती है वो इक्वल नहीं होती वो सबसे ज्यादा होता है इक्वेटर पे लैटीट्यूड सबसे ज्यादा होता है इक्वेटर पे ठीक है जैसे जैसे ऊपर जाता है छोटा हो जाता है फिर और ऊपर जितनी ऊपर जाएगा छोटा हो जाएगा हमारा लैटीट्यूड ठीक है इस तरीके से बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा लेकिन उसकी लेंथ छोटी होती चली जाएगी लेकिन जो लॉन्गिट्यूड है उसके केस में ऐसा नहीं है जो लेटीट्यूड है लेटिट्यूड इक्वल नहीं होता ठीक है जैसे जैसे वो पोल की तरफ जाता है वो डिक्रीज होने शुरू कर देता है लेकिन जो हमारा लॉन्गीट्यूड है लॉन्गीट्यूड वो सारे इक्वल होते हैं अगर हम जीरो प्राइम मेरिडियन की बात करें तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है अगर हम टेन डिग्री लॉन्गिट्यूड की बात करें वो भी नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है ट्वेंटी डिग्री भी नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है तो ये जितने भी लॉन्गीट्यूड्स है ये इक्वल लेंथ के हैं सारे के सारे नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं इक्वल लेंथ होती है इनकी ठीक है दस इट वॉज डिफिकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस और इसी वजह से कहा गया क्योंकि ये इनकी इक्वल लेंथ है तो इट इट इज डिफिकल्ट टू नंबर ऑफ द मेरिडियंस तो मेरिडियन का नंबर बताना बहुत मुश्किल है कि, कि कितने टोटल मेरिडियन है हमको ये तो पता है कि हमारा जो ये ग्लोब है ये 360 डिग्री का है 360 डिग्री का ये तो पता है लेकिन एक डिग्री के अंदर कितने भी मैरिडियंस हो सकते हैं जैसे जीरो से टेन इसके बीच में आप पांच मैरिड पांच लॉन्गिट्यूड भी बना सकते हैं ठीक है और इस पूरे 360 में आप कितने भी आ, सो लॉन्गिट्यूड भी बना सकते हैं वन थाउजेंड भी बना सकते हैं ठीक है टेन थाउजेंड भी बना सकते हैं तो उनका नंबर बताना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है स्पेसिफिक नहीं है कि कितने लॉन्गिट्यूड हो गए क्योंकि सारे लॉन्गिट्यूड की जो लेंथ है वो इक्वल होती है ठीक है सो हेंस ऑल द कंट्री डिसाइडेड अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्रीन विच से हमारा जो जीरो मेरिडियन है प्राइम मेरिडियन वो ग्रीन विच से इस तरीके से होता हुआ रॉयल ऑब्जर्वेटरी है ब्रिटिश के ऊपर उस, उसके ऊपर से होता हुआ और अफ्रीका से होता हुआ जाता है अब ये डिसाइड कैसे हुआ ये डिसाइड किया सारी कंट्री ने मिलकर सो हैंस ऑल कंट्रीज डिसाइडेड दैट द काउंट शुड बिगिन फ्रॉम द मेरिडियन विच पासिस थ्रू ग्रीन विच ग्रीनविच से होता हुआ वेयर रॉयल ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड तो यहां से जो है हमने जीरो प्राइम मेरिडियन माना हमने मतलब सारी कंट्री ने मिलकर डिसाइड किया है ठीक है ताकि कोई भी कंट्री बुरा ना माने कि नहीं हमारे ऊपर से होना चाहिए था तो सबने मिलकर डिसाइड किया कि यहां से होना चाहिए सो दिस मेरिडियन इज कोल्ड प्राइम मेरिडियन जैसे मैंने आपको बताया ये प्राइम मेरिडियन मान जाता है इसकी वैल्यू जीरो होती है जीरो डिग्री इट वैल्यू इट्स वैल्यू इज जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड फ्रॉम वी काउंट वन एट्टी डिग्री ईस्टवर्ड एंड वन एट्टी डिग्री वेस्टवर्ड अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जीरो डिग्री है और इसके पीछे जो है वन एट्टी डिग्री होगा ठीक है तो अगर हम यहां से काउंट करें टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी तो ऐसे पूरा ग्लोब घूमता हुआ वन एट्टी डिग्री तक जाएगा ईस्ट वन एट्टी डिग्री तक जाएगा ईस्ट और अगर हम वेस्ट से बात करें तो वेस्ट से भी टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी होता हुआ पूरा वन एट्टी डिग्री तक जाएगा यानी कि दो हाफ में बढ़ जाएगी हमारा ग्लोब अगर हम प्राइम मेरिडियन से देखें तो ये भी 180 डिग्री वेस्टवर्ड की तरफ जाएगा और 180 डिग्री ईस्टवर्ड की तरफ जाएगा ठीक है दो हाफ में हमारी जो ग्लोब है वो बट जाएगी द प्राइम मेरिडियन एंड 180 एट्टी डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इंटू टू हाफ जैसे मैंने आपको बताया ये जो है प्राइम मेरिडियन हो गया जीरो डिग्री और अगर हम इसके अपोजिट जाएं तो वहां पर होगा 180 एट्टी डिग्री वन डिग्री होगा अपोजिट में जाके ठीक है तो ये जो है ग्लोब को एक तो इस हिस्से में बांट देती है और एक इस हिस्से में बांट देती है तो दो हाफ हो गए ग्लोब के ठीक है एक तो ईस्ट हाफ हो गया और एक वेस्ट हाफ हो गया जैसे मैंने आपको अभी बताया तो इसको बोलेंगे ईस्टर्न हेमिसफेयर इसको बोलेंगे वेस्टर्न हेमिसफेयर ठीक है जैसे हमने लॉन्गिट्यूड के केस में देखा था ये लॉन्गिट्यूड हो गया ये हो गया नॉर्थन हमिस्फेयर ये हो गया साउथर्न हेमिसफियर इसी तरीके से लॉन्गिट्यूड में भी ईस्टर्न हेमिसफेयर वेस्टर्न हेमिसफेयर ठीक है और ईस्टर्न ईस्टर्न हेमिसफेयर को हम ई e से रिप्रेजेंट करेंगे और वेस्टर्न हेमिस्फेयर को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज फॉलोड बाई ई फॉर द ईस्ट डब्ल्यू फॉर द वेस्ट इट इज हावर इंटरेस्टिंग टू नोट दैट वन एट्टी डिग्री ईस्ट एंड वन एट्टी डिग्री वेस्ट मेरिडियन आर ऑन द सेम लाइन अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके जीरो डिग्री प्राइम मेरिडियन के अपोजिट में वन एट्टी डिग्री होगा यहां पर होगा वन एट्टी डिग्री अपोजिट में और ये जो है जीरो डिग्री प्राइम मेरिडियन हो गया तो अगर हम यहां से जाएंगे वन एट्टी डिग्री तक ईस्ट से और अगर हम वेस्ट से जाएंगे वन एट्टी डिग्री तक तो हम जो है एक ही पॉइंट पर पहुंच जाएंगे मतलब दूसरे हाफ पर पहुंच जाएंगे पृथ्वी के दोनों ही ईस्ट का 180 डिग्री और वेस्ट का 180 डिग्री सेम पॉइंट पर जाके मिलेगा ठीक है ये फैक्ट है इसको हमेशा आपको याद रखना है नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ पैरल्स ऑफ लैटीट्यूड अब हमको एक एग्जाम्पल ये सारी की सारी चीजें प्रूव करनी है जो भी अभी तक हमने पढ़ी है ठीक है अब आप ये ग्रिड देखिए ये ग्रिड है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड को देखिए और लॉन्गिट्यूड को देखिए अब हम पूरा निप ये जो पूरा है हम उसको नहीं पढ़ेंगे हम सिर्फ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बोलेंगे ठीक है तो लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड को हमको देखना है ग्लोब के ऊपर नाउ यू कैन लोकेट एनी पॉइंट ऑन द ग्लोब वेरी इजिल इफ यू नो इट्स लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड यहां पर यह बताया गया अगर आप लैटीट्यूड को समझ गए और आप लॉन्गिट्यूड को समझ गए तो आप ग्लोब के अंदर अगर आपको एक वो दिया जाएगा नंबर कि 26 डिग्री नॉर्थ 90 डिग्री ईस्ट हमको पहचानना है 20 डी ट्वेंटी डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री ईस्ट हमको देखना है तो हम इजीली पॉइंट आउट कर सकते हैं अगर हम लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को समझ गए हैं अब इसको एक बार इसको एक बार करके दिखाता हूं मैं तो सबसे पहले जब ऐसी एक हम पे संख्या आती है तो सबसे पहले आप उसकी डायरेक्शन को देखिए यहां पे दो डायरेक्शन दी गई हैं सबसे पहले नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट होता है बच्चों ठीक है नॉर्थ ऊपर होता है साउथ नीचे ईस्ट होता है राइट हैंड की तरफ और वेस्ट होता है लेफ्ट हैंड की तरफ ठीक है अगर हम मैप पे देखें तो सबसे पहले यहां पर दो लोकेशन दी गई है एक तो नॉर्थ है और एक ईस्ट है तो नॉर्थ क्या होता है लेटीट्यूड होता है नॉर्थ और साउथ लेटीट्यूड होते हैं ईस्ट और वेस्ट लॉन्गिट्यूड होते हैं तो सबसे पहले नॉर्थ को लोकेट कीजिए यहां पे बीच में एक लाइन खींच देते हैं इस तरीके से और एक बीच में लाइन यहां पे खींच देते हैं प्राइम मेरिडियन ये हो गया प्राइम मेरिडियन ये हो गया इक्वेटर ये हो गया इक्वेटर ये हो गया प्राइम मेरिडियन ठीक है तो सबसे पहले हमको नॉर्थ देखना है नॉर्थ कहां ये हो गया ये यहां से लेके पूरा ये हिस्सा ये वाला जो ग्लोब का हिस्सा है ये नॉर्थ हो गया ठीक है अब आपको देखना है ईस्ट अब इस नॉर्थ में ईस्ट कौन सा है ये वाला ईस्ट है ये वाला ईस्ट है ऑब्वियसली ये वाला ईस्ट है तो इतना हिस्सा जो हो गया ईस्ट हो गया ठीक है अभी आपने लोकेशन देख ली अब उसकी डिग्री देखिए नॉर्थ की है ट्वेंटी सिक्स डिग्री अभी नॉर्थ है ऊपर का अब ट्वेंटी सिक्स डिग्री देखना है जीरो से जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसे होता 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 हुआ ट्वेंटी सिक्स डिग्री कहीं यहां पर आएगा इस तरीके से क्या आ गया ट्वेंटी सिक्स डिग्री आ गया ट्वेंटी सिक्स डिग्री नॉर्थ हो गया ये अब 90 डिग्री ईस्ट अब हमें 90 डिग्री ईस्ट में जाना है ये जीरो हो गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट यहां पर मैप पर दिया गया होगा यहां पर तो अच्छे तरीके से आपको दिखाई नहीं गया बच्चों लेकिन आप अगर मैप मैप पर देखोगे तो ये नंबर बहुत अच्छे तरीके से शो होते हैं यहां पर तो नाइन्टी डिग्री कहीं यहां पर आएगा इस तरीके से एक लाइन कटेगी यहां पर तो जहां पर ये दोनों लाइन जो जुड़ी है जहां पर कनेक्ट हुई है वही पॉइंट होगा जो जिसको हम ढूंढ रहे हैं धूबरी धुबरी इन असम कहां पर लोकेटेड है 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे लोकेटेड है तो दोनों लाइन कहां पर कट हुई इस वाले पॉइंट पे इस वाले पॉइंट पे दोनों लाइन कट हुई तो जो ये पॉइंट कट हुआ है वहीं पर धुबरी है ठीक है अगर हम जूम करें तो ये जूम सिचुएशन है अगर हम इंडिया में जाए इंडिया में आसाम एक स्टेट है तो दोनों लाइन देखिए यहां पर कट रही है ये लॉन्गिट्यूड आया और ये लैटिट्यूड आया कितना था 26 डिग्री नॉर्थ और लॉन्गिट्यूड कितना था 90 डिग्री ईस्ट तो यहां पर जो लाइन कटी है ये है धुबरी तो आई थिंक आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से समझ में आ गया कि, कि किस तरीके से हम जो लोकेशन होती है उसको फाइंड आउट करते हैं ठीक है नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट ये स्लाइड है और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए है ये टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली और भी अच्छे तरीके से अगर हम समझे वैसे तो हम समझ गए लेकिन एक, वो, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इक्वी डिस्टेंट वर्टिकल एंड होरिजोंटल लाइन्स ऑन पेपर हमने पेपर पे वर्टिकल लाइन्स और होरिजोनटल लाइन खींची ठीक है यह तो होगी होरिजोनटल लाइन्स ठीक है यह हमने होरिजोंटल लाइन्स बनाई और हमने वर्टिकल लाइन्स बनाई यह होगी वर्टिकल लाइन्स ठीक है यह वर्टिकल लाइन हो गई या होरिजोंटल यह तो होगी होरिजोनटल लाइन और ये वाली होगी वर्टिकल लाइन सारी ठीक है अब हॉरिजॉन्टल लाइन को हमने नंबर दे दिया सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने ये होगी हॉरिजॉन्टल लाइन वेट 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 लेबल द वर्टिकल रो विद नंबर्स एंड हॉरिजॉन्टल लाइन विद लेटर्स सही पहले से ही लिखा था मैंने जो लेटर है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है पहले ही ठीक था बच्चों हमारा कंफ्यूज हो गया देखकर हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारी लेटर में और वर्टिकल लाइन है हमारी नंबर में ठीक है अब हमको क्या करना है ड्रॉ सम स्मॉल सर्कल्स अब हमको स्मॉल सर्कल्स बनाने हैं जहां पर ये लाइन कट हुई जैसे ए बी सी डी ई दो तीन और बना देते हैं हम एफ ई एफ जी एच ये हमने कुछ सर्कल्स बना लिए जहां पर लाइन कट हो रही है ठीक है अब हमको लोकेट करनी है लोकेशन लेट वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड होरिजोंटल लाइन एज नॉर्थ लैटिट्यूड अब ये ईस्ट तो लॉन्गिट्यूड पर है और नॉर्थ लैटिट्यूड पर है वो कैसे अब मैं समझाता हूं आपको जैसे ये इक्वेटर हुआ बीच में हो गया इक्वेटर थोड़ी लाइन ऊपर हो गई ये बीच में हो गया इक्वेटर और ये हो गया लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन ठीक है East तो ईस्ट तो लॉन्गिट्यूड है मतलब ये ईस्ट की तरफ यानी ये वाला ये वाला हिस्सा ईस्ट और जो लैटिट्यूड है वो नॉर्थ की तरफ है वो मतलब ऊपर का से यानी कि इस साइड का हिस्सा तो इस वाले हिस्से में है कहीं ये, ये वाली लाइन ये जो ये वाला हिस्सा है ये डायग्राम कहीं यहां पर है मतलब इस वाली साइड पर है ये तो कहां पर है ईस्ट लॉन्गिट्यूड है और नॉर्थ ठीक है अब अब इसके जो नंबर जो दिए गए ई एफ इसको हम पॉइंट आउट करते हैं तो अगर हम फर्स्ट फर्स्ट को देखें तो फर्स्ट को हम कैसे लिखेंगे हमको सिर्फ लिखना आना चाहिए कि कौन सी डिग्री पर क्या है ठीक है तो फर्स्ट को हम कैसे लिखेंगे बच्चों बी डिग्री एन लैटिट्यूड एंड वन डिग्री ई लोंगिट्यूड तो बी क्या है बी है यहां पर नॉर्थ लैटिट्यूड तो बी डिग्री हुआ नॉर्थ लेटिट्यूड ठीक है और वन डिग्री ईस्ट हुआ लॉन्गिट्यूड वन डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड ठीक है यार यहां पर ट्वेंटी डिग्री भी हो सकता था थर्टी डिग्री हो सकता था इस तरीके से भी हो सकता था ये हो सकता था ट्वेंटी डिग्री थर्टी डिग्री फोर्टी डिग्री इस तरीके से हो सकता था तो अगर हम इस वाले पॉइंट को देखें हम इस वाले पॉइंट को देखते हैं डी को कैसे लिखना है हमें तो डी को हम लिखेंगे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो ये हो गया टेन डिग्री ये ट्वेंटी डिग्री मान लो ये हो गया टेन डिग्री ये ट्वेंटी डिग्री ये थर्टी डिग्री ये फोर्टी डिग्री ये फिफ्टी डिग्री ठीक है इसी तरीके से ये हो गया टेन डिग्री ये हो गया फिफ्टीन डिग्री ये हो गया ट्वेंटी डिग्री ये हो गया ट्वेंटी फाइव डिग्री तो हम डी को कैसे लिखेंगे डी को हम लिखेंगे टेन डिग्री टेन डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड नॉर्थ लैटिट्यूड ठीक है एंड ट्वेंटी डिग्री ट्वेंटी डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड तो टेन डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड की लाइन ये होगी और ट्वेंटी डिग्री ईस्टी लॉन्गिट्यूड की लाइन ये वाली होगी तो दोनों कहां प्रकटी डी पर कटी तो डी की लोकेशन हमको ऐसे पता लग जाएगी ठीक है तो इसी तरीके से हम जो है लोकेशन देखते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की जगह अगर मैं आपको एक दो लाइन में समराइज करूं पूरे चैप्टर को तो इस चैप्टर में यही है कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की हमको क्यों जरूरत पड़ती है ताकि हम किसी भी जगह की लोकेशन देख सकें और लोकेशन किस पर ग्लोब पर या मैप पर जो मैप्स होते हैं और जो ग्लोब होते हैं उन पर जो नंबरिंग होती है जीरो से लेके ऐसे जाती है लॉन्गिट्यूड और इक्वेटर से लेकर ऊपर तक नीचे तक जाती है लैटिट्यूड सिर्फ यही है इस चैप्टर में हमको समझने के लिए तो अगर आप ये समझ गए तो आपको पूरी लाइफ टाइम मैप को देखने में काफी आसानी होगी ठीक है तो ये था इस चैप्टर में ये हमारी इंस्टाग्राम की आईडी डी है हम नदीम राजा ये फेसबुक पेज है और ये टेलीग्राम चैनल है आप हमको यहां पर क्या कर सकते हैं फॉलो कर सकते हैं पीडीएफ के लिए या फिर कोई भी क्वेरी हो तो क्वेरी भी पूछ सकते हैं ठीक है थीके? और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ज़्यादा से ज़्यादा इसको इससे हमको मोटिवेट मिलता है आगे काम करने के लिए और सो थैंक यू वेरी मच फॉर बींगयर बाय बाय हैव अ गुड डे हेलो एवरी वन माई नेम इज़ नदीम एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल अकेडमी है तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास सिक्स चैप्टर नंबर टू जिसका नाम है ग्लोब लेटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड हमने जो है इसकी काफ़ी सब हेडिंग्स को कवर कर लिया है आज हम इसमें इस पढ़ेंगे लॉन्गीट्यूड्स एंड टाइम ठीक है तो आइए शुरू करते हैं तो इस बुक में जो है एट चैप्टर से हमारा भी सेकंड चैप्टर चल रहा है ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लोंगिट्यूड्स ठीक है तो आज की इस वीडियो में हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे लॉन्गिट्यूड एंड टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि लैटिट्यूड का जो कनेक्शन होता है वो पृथ्वी की हीट जोन को लेकर होता है ठीक है और लेकिन जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं उसका कनेक्शन होता है टाइम के साथ तो हम मैंने अपने आपको लास्ट वीडियो में यह बताया था कि लॉन्गिट्यूड का टाइम के साथ किस तरीके से कनेक्शन होता है आज इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे और एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कि क्या होता है और लॉन्गिट्यूड का कनेक्शन टाइम के साथ कैसे होता है ठीक है उसके बाद हमारा सिर्फ एक टॉपिक रह जाएगा उसका नाम है वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम वाई डू हैव स्टैंडर्ड टाइम और वो भी इंडिया इंडिया के स्टैंडर्ड टाइम की भी बात करेंगे ठीक है इस वाले टॉपिक के अंदर तो चलिए शुरू करते हैं लॉन्गिट्यूड एंड टाइम अब बच्चों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि जो आप जो टाइम देखते अपनी वॉचिज में अपने मोबाइल फोन में तो उस उस टाइम को बताने के लिए जो बेस्ट सोर्स होता है बेस्ट सोर्स कि वो जो टाइम जो निकल कर आ रहा है वो उसका बेस्ट सोर्स क्या है तो आप बोलेंगे कि हमारा जो मोबाइल फोन है वो बताता है टाइम ठीक है कुछ बोलेंगे जो वॉचिज होती है हमारी वो हमको सबसे अच्छा टाइम बताती है लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके जो वॉच है उसमें मान लो एक बज रहे हैं दोपहर के एक बज रहे हैं ठीक है और आपके फ्रेंड की जगह पर रहते हैं तो यहाँ पर जो टाइम है वो ठीक है और आप बोलेंगे कि नहीं जो मेरी वॉच में जो टाइम है एक बज रहा है वो ठीक है तो यहां पर दोनों के बीच में क्या हो जाएगी कंफ्यूजन हो जाएगी और किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जाएगा कि कौन ठीक है तो इसका जो हमको जो आंसर है वही ढूंढना है कि जो टाइम बताने का जो बेस्ट सोर्स होता है वो क्या होता है ठीक है अब क्योंकि यहां पे दो वो चीजें तो दो कंफ्यूजन होगी ऐसी एक ऐसी कौन सी चीज है जो सबके लिए कॉमन होती है और सब उसी को फॉलो करते हैं तो इसका जो आंसर होता है बच्चों, जो बेस्ट सोर्स ऑफ टाइम होता है उसका आंसर मिलता है हमको नेचर के अंदर तो हमको जो सबसे अच्छा और सबसे सटीक टाइम बताता है वो नेचर बताता है ठीक है अब वो नेचर कैसे बताता है उसी चीज को हम पढ़ेंगे इस वाले पूरे की पूरी वीडियो में ठीक है और इसका संबंध होता है लॉन्गिट्यूड के साथ लॉन्गिट्यूड मैंने आपको बताया था जैसे हमारा वर्ल्ड मैप है तो इमेजिनरी लाइन ऐसे होती है ठीक है इस तरीके से जो इमेजिनरी लाइन होती है इन्हीं को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड ठीक है अब ये लॉन्गिट्यूड टाइम कैसे बताते हैं उसको हमको देखना है ठीक है सो द बेस्ट मीन्स ऑफ मीजरिंग टाइम सबसे अच्छा जो सोर्स होता है जो मीन होता है साधन होता है वो होता है मूवमेंट ऑफ द अर्थ मूवमेंट ऑफ द मून और मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट्स अब जैसे मैंने आपको बताया था ये हमारा सूरज है और सूरज के चारों ओर रिवोल्यूशन लगाते हैं कौन सारे के सारे प्लैनेट्स और हमारी पृथ्वी भी उसके चारों ओर रिवोल्यूशन लगाती है ठीक है अब दो तरीके के मोशन मैंने आपको बताया था दो तरीके के मोशन होते हैं एक एक तो होता है रोटेशन रोटेशन जैसे लट्टू की तरह जो हमारी पृथ्वी घूमती है अपने ही एक्सिस पे इस तरीके से घूमती है ये होता है रोटेशन और एक होता है जो सूरज के चारों तरफ वल्यूशन लगाती है वो होता है ठीक है तो जो ये रोटेशन है ये डे और नाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ठीक है ये जो हमारी पृथ्वी 24 घंटे में एक बार घूम जाती है तो एक बार 24 घंटे के अंदर दिन भी आता है और नाइट भी आती है तो हमारा जो रोटेशन है उसका संबंध होता है डे के साथ और नाइट के साथ ठीक है तो अब मैं बताता हूं आपको वो कैसे जैसे ये हमारी पृथ्वी है और आप मान लो ये है ठीक है और ये ईस्ट है ये वेस्ट है तो जो सन है हमारा हम देखते हैं पृथ्वी से अगर हम देखें तो पृथ्वी से हमको क्या देखता है कि जो सन है वो कहां से निकलता है वो ईस्ट से निकलता है ठीक है ईस्ट ईस्ट से निकला और पूरी दोपहर हुई और फिर इवनिंग में जाके वेस्ट की तरफ चला जाता है नीचे ठीक है यानी यानी कि सनराइज कहां से हुआ ईस्ट से हुआ और सनसेट कहां पर हुआ वेस्ट से हुआ तो ये डेली होता है इसमें कोई भी चेंज नहीं होता ठीक है इस फिनोमिना में कोई भी चेंज नहीं होता ये डेली होता है तो ये जो डेली टाइम कीपर है ना यही सबसे बेस्ट टाइम कीपर है अब इसमें हम क्या देखेंगे इसमें हम ये देखेंगे कि जो सन है जब हमारे फोर है मतलब सबसे ऊपर होता है और के, उसको कह सकते हैं कि ट्वेल्व जब बारह बजते हैं दोपहर के ठीक है तो बारह बजे क्या होती है कि हमारी जो शेड होती है वो कम सबसे कम बनती है क्यों क्योंकि सूरज हमारे बिल्कुल सटीक ऊपर होता है तो जब हमारे ऊपर सूरज होगा तो शेडो सबसे कम बनेगी तो जब सबसे कम शेडो बनती है उसको बोलते हैं ट्वेल्व ओ नून यानी कि बारह बज चुके हैं जब जब सबसे कम शेडो शोर्टेस्ट शेडो होगी ठीक है और जब हमारी लंबी शेडो होती है तो उसको हम या तो सनराइज का नाम देते हैं जब सूरज निकलता है या फिर सनसेट का नाम देते हैं जब हमारी शेडो लंबी बनती है ठीक है तो यही है नेचर के अंदर जो कि हमको टाइम बताता है तो बारह बजे लगभग जब होते हैं जब सूरज जो है बिल्कुल सटीक हमारे ऊपर होता है ठीक है सनसेट कब होता है जब सूरज वेस्ट की तरफ ढल रहा होता है और सनराइज जब होता है जब सूरज ईस्ट से निकल रहा होता है ठीक है तो यही है सबसे अच्छा टाइम कीपर हमारा नेचर जो है सबसे अच्छा टाइम कीपर होता है कोई भी वॉच कोई भी मोबाइल सारे के सारे डिपेंड हमारे नेचर पर ही है, so, होते हैं ठीक है सो द मूवमेंट ऑफ द अर्थ द मून एंड द प्लेनेट होते हैं ठीक है द सन रेगुलरली राइज एंड सेट एवरीडे सन जो है हमेशा निकलता है और हमेशा ढलता है यानी कि एक दिन में 24 घंटे में निकलता है और ढल भी जाता है ठीक है तो ये जो ने, नेचुरली सन निकलता है और ढलता है इसमें कोई भी रुकावट नहीं होती कभी भी ठीक है चाहे मंडे हो चाहे ट्यूजडे हो चाहे वेडनेसडे हो कोई भी दिन हो सन हमेशा इस तरीके से ही काम करता है ठीक है सो इट इज द बेस्ट टाइम कीपर इसलिए इसको सबसे बेस्ट टाइम कीपर बताया जाता है ना कि ना ही इसकी सेल खत्म होती मोबाइल की और जो हमारा जो मोबाइल होता है वो चीज होता है उसकी सेल भी खराब हो जाती है और पिन खराब हो जाती है तो घड़ी आगे नहीं चलती लेकिन ये एक ऐसा टाइम है इसमें कोई भी रुकावट नहीं होती ये सबसे अच्छा टाइम कीपर है ठीक है इसको किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती है नेचर के अंदर बनता है ठीक है लोकल टाइम कैन बी रेकंड बाय द शेडो अब जैसे मैंने आपको शेडो का एग्जाम्पल दिया था तो अगर हम लोकल uh, टाइम की बात करें कि आपके प्लेस पर क्या टाइम हो रहा है तो हम जो है उसको शेडो से देखेंगे शेडो से कैसे देखेंगे कास्ट बाय द सन विच इज द शॉर्टेस्ट एट नून अगर हम सबसे छोटी शेडो बनेगी जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे एक इंसान है और इसकी जब सबसे छोटी शेडो बनेगी बाहर अगर ये आउटसाइड चले जाए अपने घर से इसकी जब सबसे छोटी शेडो बनेगी तो यानी कि वहां पर उस टाइम पर नून हो रहा है नून क्यों क्योंकि सूरज जो है सबसे उसके ऊपर है तो वहां पर दोपहर हो रही है उसकी शेडो छोटी बनेगी और लॉन्गेस्ट शेडो जब बनती है जब या तो सूरज निकल रहा हो ईस्ट से तो इस तरीके से किरणें पड़ेगी सूरज की तो यहां पर जो है इसकी शेडो लंबी बनेगी ठीक है या फिर सूरज जो है ढल रहा है तो उसकी जब यहां पर किरणें पड़ेगी तो उसकी शेडो यहां पर लंबी बनेगी ठीक है तो इससे हम जो है बेस्ट शेडो से हम देखते हैं कि किस तरीके से नून हो रहा है इवनिंग हो रही है और मॉर्निंग हो रही है तो इस तरीके से जो है हम सन से लगाते हैं अपना आइडिया सो व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच जैसे मैंने आपको बताया था कि प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच कहां पर है आ, यहां पर ये यह जो जीरो डिग्री है ब्रिटेन से होता हुआ इस तरीके से जो हमारी पृथ्वी यह है प्राइम मेरिडियन प्राइम मेरिडियन लॉन्गिट्यूड है ठीक है क्या है? ये लॉन्गिट्यूड है ठीक है हैज द सन हैज द सन एट द हाइस्ट पॉइंट इन द स्काई ऑल द प्लेसेज अलोंग दिस मेरिडियन विल हैव मिड डे और नोन अब जब सन इस वाले पॉइंट uh, पर आएगा यानी कि जीरो डिग्री पॉइंट पर जब सन आएगा तो यहां पर क्या होगा यहां पर नून होगी यानी कि यहां पर दोपहर होगी जब सन यहां पर बिल्कुल सटीक ऊपर होगा तो यही बताया गया कि वहां पर नून होगी जहां पर सन बिल्कुल ऊपर सटीक ऊपर होगा ठीक है तो यही था इसमें इस तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में है एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जैसे हम जानते हैं बेसिक फिनोमिना ये हमारी जो पृथ्वी रोटेट करती है वो किस तरफ से किस तरफ करती है वेस्ट से ऐसे रोटेट करेगी ईस्ट की तरफ मतलब इस तरीके से घूमेगी हमारी पृथ्वी ठीक है ना कि इस तरीके से इस तरीके से कभी भी नहीं घूमती ईस्ट से वेस्ट की तरफ नहीं घूमेगी जबकि वेस्ट से ईस्ट की तरफ ऐसे घूमती है ये हमको पता है रोटेशन का हमारी पृथ्वी कैसे घूमती है ठीक है सो दो प्लेसिज ईस्ट ऑफ द ग्रीन विच विल हेड ऑफ ग्रीन विच टाइम अब यहां पर क्या दिया गया ये बहुत ही अच्छा फिनोमिना है इसको समझना बहुत जरूरी है मान लो ये ग्रीन विच है बीच में ग्रीन विच ठीक है अब ग्रीन विच के जो ईस्ट की तरफ जो एरिया है ये वाले जो एरिया है ग्रीन विच की ईस्ट की तरफ तो ये यहां पर सनराइज सन्राइ, सनराइज पहला होगा यहां पर जो सन की किरणें जो है वो पहले पड़ेंगी क्योंकि वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमेगी हमारी पृथ्वी तो यहां पर इस वाले एरिया में सन की रह, सन की की जो रोशनी है वो पहले आएगी फिर धीरे धीरे सन की रोशनी जब ये वाला एरिया थोड़ा इधर आ जाएगा फिर वहां पर आएगी फिर इस तरीके से जो रोटेशन होती रहेगी तो सन की किरणें वहीं पे जाती रहेगी जो जो भी एरिया सन के सामने आएगा ठीक है तो इस वजह से यह बोला गया कि जो ईस्ट की तरफ जो एरिया है वो इस जीरो जो प्राइम मेरिडियन है इससे आगे होंगे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो यहां पर बारह बज रहे हैं ठीक है जीरो डिग्री पर यानी कि ग्रीन विच पर बारह बज रहे हैं तो इसके पंद्रह डिग्री इसके पंद्रह डिग्री ईस्ट पर मतलब एक घंटा आगे होगा यानी कि पंद्रह डिग्री में एक घंटे में हमारी पृथ्वी पंद्रह डिग्री घूम जाती है मैंने आपको बताया था पिछले स्लाइड में एक घंटे में कितनी घूम जाती है हमारी पृथ्वी पंद्रह डिग्री ठीक है तो बारह प्लस वन एक बज जाएगा ठीक है जीरो प्राइम मेरिडियन से जीरो प्राइम मेरिडियन मेरिडियन से जब हम पंद्रह डिग्री आगे जाएंगे तो वहां पर रहा होगा एक और प्राइम मेरिडियन पर रहे होंगे बारह ठीक है इसी तरीके से पीछे अगर हम प्राइम मेरिडियन के पीछे जाएंगे पंद्रह डिग्री तो वहां पर आप कितने बज रहे होंगे ग्यारह ठीक है तो इस तरीके से टाइम चलता है ठीक है सो हेड ऑफ द ग्रीन विच टाइम एंड द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट जो ईस्ट में होंगे उनका टाइम ज्यादा होगा और जो वेस्ट में होंगे उनका टाइम कम होगा पंद्रह डिग्री एक घंटा फिर तीस डिग्री में दो घंटे आगे होगा जो एरिया पैंतालीस डिग्री में होगा वो तीन घंटे आगे होगा जो एरिया सिक्सटी डिग्री आगे सिक्सटी डिग्री पर होगा उस पर चार घंटे आगे होगा तो इस तरीके से टाइम बटा हुआ होता है हमारे ग्लोब के ऊपर ठीक है सो so, यहां पर कैलकुलेशन दी गई है जो मैंने अभी आपको बताया इसको मैं एक बार और सिंपलीफाई कर देता हूं द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज अब जैसे यहां पर दिया गया है कि हमारी पृथ्वी 24 घंटे के अंदर पूरा एक चक्कर लगा लेती है ठीक है और हमारी पृथ्वी क्या है जीओ शेप में है तो यानी कि 360 डिग्री होगा टोटल टोटल ये पृथ्वी का जो स्फेयर है ये 360 डिग्री का होगा ठीक है 360 का आधा कितना होगा 180, ठीक है तो 24 घंटे में कितनी घूम रही है 360 घूम रही है और, और एक मान लो चार आ, पर, एक घंटे में कितनी घूमेगी एक घंटे में घूमेगी पंद्रह डिग्री ठीक है चौबीस घंटे में कितनी घूम रही है थ्री सिक्सटी तो एक घंटे में कितनी घूमेगी पंद्रह डिग्री और अब मैं बात करूं एक डिग्री कितने मिनट में घूम जाएगी एक डिग्री घूमेगी चार मिनट्स में यह आपको सिंपल सी कैलकुलेशन याद रखनी है हमारे रोटेशन के बेस पर है ये ठीक है तो एक डिग्री घूम जाएगी हमारी पृथ्वी चार मिनट में पंद्रह डिग्री घूमेगी एक घंटे में ये सबसे सिंपल है इसको याद रखना आप पंद्रह डिग्री में एक घंटा घूम जाती है तीस डिग्री दो घंटे में घूमेगी पैंतालीस डिग्री तीन घंटे में घूमेगी सात डिग्री चार घंटे में घूमेगी ठीक है तो तीन सौ सात डिग्री चौबीस घंटे में घूम जाएगी यानी कि एक दिन में पूरी तीन सौ सात डिग्री घूम जाएगी यह हमेशा आपको याद रखना है फैक्ट है दस वेन इट इज ट्वेल्व एट ट्वेल्व नून एट ग्रीन विच जैसे मैंने आपको बताया अभी अगर जो ग्रीन विच के यहां पर बारह बज रहे हैं ठीक है तो सन यानी कि बिल्कुल ऊपर है इसके अगर यहां पर बारह बज रहे हैं तो अगर हम पंद्रह डिग्री इधर जाए ईस्ट की तरफ तो एक घंटा आगे होगा यह वाला एरिया यहां का जो एरिया है ये एक घंटे आगे होगा तो यहां पर कितने बज रहे होंगे एक बज रहे होंगे ठीक है अगर हम पंद्रह डिग्री पीछे जाए तो यह एक घंटे पीछे होगा अगर हम पंद्रह डिग्री पीछे जाए तो एक घंटा पीछे होगा यहां पर ग्यारह बज रहे होंगे यहां पर ग्यारह बज रहे होंगे होंगे पंद्रह डिग्री जीरो पे बारह बज रहे हैं अगर और यहां पर जो है एक बज रहा होगा तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं ठीक है सो द टाइम एट पंद्रह डिग्री ईस्ट ऑफ द ग्रीन विच विल बी अहेड फिफ्टीन इंटू फोर सिक्सटी मिनट यानी कि एक घंटा एक घंटा आगे होगा ईस्ट की तरफ पंद्रह डिग्री अहेड ऑफ ग्रीन विच टाइम विच मीन वन पी एम बट फिफ्टीन डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीन विच द टाइम विल बी बिहाइंड ग्रीन विच टाइम बाय वन आवर अगर हम पीछे जाए पंद्रह डिग्री तो एक घंटा कम हो जाएगा यानी कि यहां पर ग्यारह बज रहे होंगे इस वाले एरिया पे ठीक है आई होप कि आपको यह समझ में आ गया है सिमिलरली 180 एट्टी डिग्री इट विल बी मिड नाइट वेन इट इज ट्वेल्व ऑन नून ट्वेल्व नून एट ग्रीन विच तो इसमें यहां पर यह बताया गया कि अगर जो हम जीरो पर जीरो पर कितने बज रहे हैं बारह बज रहे हैं ठीक है दोपहर के तो अगर हम 180 डिग्री जाएं यानी कि पीछे पृथ्वी के जो पीछे वाला जो अपोजिट साइड पे जो 180 डिग्री है वहां पर जो है रात के बारह रहे होंगे ठीक है तो इस तरीके से चलती है मतलब बारह घंटे वो आगे होगा वो वाला टाइम यानी कि अगर यहां पे दिन है वहां पे रात होगी अगर वहां पे 180 डिग्री पे दिन है तो जीरो डिग्री पर रात होगी ठीक है क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है तो यही यहां पर बताया गया है नेक्स्ट क्या दिया हुआ है नेक्स्ट दिया हुआ है एट एनी प्लेस अ वॉच कैन बी एडजस्टेड टू रीड ट्वेल्व ओ क्लॉक वेन द सन इज एट हाइएस्ट पॉइंट तो जब सन बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पर होता है उस एरिया के तो वहां पर 12 बज रहे होते हैं ठीक है थीके? ये हमको हमेशा ध्यान रखना है जब जो सूरज है वो मिड डे में होता है यानी कि स्काई के बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पर होता है बिल्कुल ऊपर होता है किसी एरिया के तो वहां पर बारह रहे होते हैं ठीक है इसी तरीके से हम हर एरिया का लोकल टाइम निकालते हैं ठीक है सो द टाइम शोन बाय सच अ वॉच विल गिव द लोकल टाइम ऑफ दैट प्लेस ठीक है जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर जो uh, आप यहां पर हो और सन आपके बिल्कुल ऊपर है तो आपके घड़ी में कितने बज रहे होंगे बारह बज रहे होंगे उस टाइम पे तो वहां का लोकल टाइम निकल जाएगा जहां जिस एरिया पे आप रह रहे हो तो ये था सिंपल इसमें ठीक है तो ये था हमारी इंस्टाग्राम की आईडी डी आई एम नदीम राजा अगर आपको इस लेसन से कोई भी क्वेरी हो कोई भी क्वेश्चन हो तो हमसे पूछ सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि लोंगीट्यूड लॉन्गीट्यूड से हम लोकल टाइम तो निकाल लेते हैं लेकिन बहुत सी कंट्रीज ऐसी होती हैं जिस जिनका लॉन्गिट्यूड मान लो पंद्रह डिग्री से भी ज़्यादा होता है ठीक है मान लो उनका लॉन्गीट्यूड है वो 90 डिग्री तक है मतलब उनकी जो विड है जो चौड़ाई है कंट्री की वो इतनी लंबी है कि उसमें पंद्रह भी आ रहा है थर्टी भी आ रहा है ठीक है सिक्सटी भी आ रहा है तो इतनी बड़ी जो बैंड उसने कवर किया हुआ है लॉन्गिट्यूड का तो वहां पे तो सेम टाइम नहीं होगा एक कंट्री में कहीं पे ज्यादा टाइम हो रहा होगा एक कंट्री में कहीं पे कम टाइम हो रहा होगा लेकिन सारे के सारे लोग तो एक ही कंट्री में रह रहे हैं तो उस कंट्री में ये जो कंफ्यूजन होगी किसी की घड़ी में ज्यादा हो रहे हैं टाइम किसी भी कि, किसी की घड़ी में कम टाइम हो रहा है तो इस कंफ्यूजन को कैसे दूर करेंगे वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में हमारे ठीक है लास्ट टॉपिक है वो हमारा तो इंडिया का एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाऊंगा सो so, कोई भी क्वेरी आप हमसे पूछ सकते हैं ठीक है और हमको फॉलो कर सकते हैं तो so, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक like कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए सो थैंक यू फॉर बींगेयर हैव अ गुड डे हेड बाय है एवरी वन माई नेम इज़ नदीम एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल अकेडमिया तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास सिक्स चैप्टर नंबर टू का हमारा लास्ट टॉपिक बचा था तो उस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे चैप्टर टू का नाम है ग्लोब लैटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड आई होप कि अभी तक आपको लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे तो हमारी जो बुक का कॉन्टेंट है उसका चैप्टर नंबर टू चल रहा है उसके बाद हमारे थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट ये सारे चैप्टर्स रह जाएंगे इसके बाद हम मोशंस ऑफ द अर्थ डिस्कस करेंगे कल से ठीक है तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम मैंने लास्ट वीडियो में आपको लोकल टाइम देखना सिखाया था कि लोकल टाइम किसी एरिया का कैसे देखते हैं तो लोकल टाइम कैसे देखते हैं लोकल टाइम देखते हैं जब सूरज जो है अपने हाईएस्ट पीक पर होता है किसी एक लोंगिट्यूड के ठीक है किसी एक लॉन्गिट्यूड पर या फिर किसी एक एरिया पर जब सन हाइएस्ट पीक पर होता है तो वो जो है वहां पर मिड डे होता है उस एरिया में मिड डे होता है मिड डे यानी कि नून ट्वेल्व पी एम मानते हैं उस उस वहां का टाइम क्या मानते हैं नून यानी कि 12 पी एम मानते हैं ठीक है तो ये हो गया उस एरिया का लोकल टाइम कि हर एरिया में कभी ना कभी नून होगा ठीक है तो उस एरिया का लोकल टाइम हो जाएगा वो ठीक है अब हम देखते हैं कि बहुत सी कंट्रीज ऐसी होती हैं जो जिसका जो वीडियो जिसकी चौड़ाई काफी लंबी होती है ठीक है उसके ऊपर दो या दो से तीन लोंगिट्यूड होकर चले जाते हैं तो उस कंट्री के अंदर फॉर एग्जाम्पल मान लो हम इंडियंस बहुत से इंडियंस इस एरिया पर रहते हैं और बहुत से इंडियंस इस एरिया पर रहते हैं यानी कि मान लो ये हो गया नॉर्थ ईस्ट का एरिया हमारा और ये हो गया हमारा गुजरात का एरिया ठीक है तो यहां पर जो हमारा जो ईस्ट की साइड है यहां पर टाइम अलग होगा यहां का लोकल टाइम अलग होगा क्योंकि यहां का जो लॉन्गट्यूड है वहां पे ट्वेल्व कप बजेंगे यहां पर जब सन इसके हाईएस्ट पीक पर होगा लेकिन यहां पर तो हाईएस्ट पीक पर नहीं है इस वाले एरिया में तो यहां का लोकल टाइम अलग हो जाएगा तो एक ही कंट्री के दो अलग अलग एरिया पे अलग अलग लोकल टाइम हो जाएगा ठीक है तो उससे काफी कंफ्यूजन होती है ये हम इस चैप्टर में अच्छे तरीके से मैं आपको क्लियर कराऊंगा ठीक है अभी एक आइडिया ले लीजिए तो इस लोकल टाइम को हमको stand, एक स्टैंडर्ड टाइम निकालना होता है ताकि पूरी कंट्री में जितने भी हमारे लोग रह रहे हैं उनके जो वॉच है उनका जो टाइम है वो सिमिलर हो यानी कि सेम हो तो इसलिए हमको स्टैंडर्ड टाइम की जरूरत पड़ती है किसी एक कंट्री में आइए एप्स को वन बाय वन देखते हैं ठीक है सो वाई डू वी हैव अ स्टैंडर्ड टाइम ये देखेंगे इंडिया का हमारा अपना एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्यों है ठीक है सो द लोकल टाइम्स ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफरेंट अब जैसे मैंने आपको बताया कि एक प्लेस का जो लोकल टाइम होता है वो अलग होता है और दूसरी प्लेस का लोकल टाइम अलग होगा फॉर एग्जाम्पल ये जो एरिया है यहां पे एक लॉन्गिट्यूड गया और एक लॉन्गिट्यूड इस तरफ से गया इंडिया के ठीक है तो जब यहां पर सूरज पड़ेगा यहां का लोकल टाइम अलग होगा इस एरिया का और जब सन की जब सन यहाँ तक आएगा यहां का लो, लोकल टाइम क्या होगा यहां का लोकल टाइम अलग होगा ठीक है तो फॉर एग्जाम्पल इंडिया की जो विड है वो कम से कम ट्वेंटी नाइन डिग्री मान लो ये वाला जो पॉइंट है इंडिया का ये हमारा सिक्सटी एट डिग्री ईस्ट पर मान लो ठीक है मान लो कि है ही और उसका जो ये वाला पॉइंट है इंडिया का लास्ट पॉइंट वो है नाइन्टी सेवन डिग्री ईस्ट तो लगभग लगभग इन दोनों के बीच में कितना गैप हो गया देखिए इन दोनों के बीच में हो गया लगभग लगभग 29 29 डिग्री का गैप हो गया और जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी जो पृथ्वी है वो 15 डिग्री एक घंटे में घूम जाती है ठीक है तो 15 डिग्री से भी देखिए दो घंटे मान लो यहां से यहां से यहां तक 15 15 30 30 डिग्री का गैप है तो यानी कि दो घंटे का गैप हो गया ठीक है यहां पर मान लो अगर जब यहां पर बारह बजेंगे तो यहां पर उस टाइम पर क्या टाइम हो रहा होगा यहां पर दस बज रहे होंगे क्यों क्योंकि यहां पर दो घंटे बाद बारह बजेंगे अगर हम लोकल टाइम के हिसाब से देखें क्योंकि हमारी इंडिया की चौड़ाई करीब करीब तीस डिग्री तक फैली हुई है ठीक है तो जैसे मैंने आपको बेसिक्स बताए थे तो आप बेसिक्स को एक बार और देख लेते हैं हमारी जो अर्थ होती है वो कितनी डिग्री की होती है तीन डिग्री की होती है ठीक है और 24 घंटे के अंदर यानी कि एक दिन के अंदर अंदर पूरा 360 डिग्री घूम जाती है तो एक घंटे के अंदर कितनी घूमेगी 15 डिग्री तो हमको ये दोनों फैक्ट याद रखना है 24 घंटे में 360 डिग्री और एक घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है मतलब यहां पर रोशनी पहला आएगी सूरज की और यहां पर रोशनी बाद में आएगी सूरज की ठीक है क्योंकि यहां पर जो है तीस डिग्री तीस डिग्री का गैप है ठीक है तो आपको यह समझ में आ गया होगा अब देखते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा फॉर एग्जाम्पल इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेन विच क्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड्स विच क्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड्स अब हम अगर इंडिया की बात करें अब इंडिया में मान लो यहां पर यहां का लोकल टाइम अलग है ठीक है और यहां का लोकल टाइम अलग है क्यों क्योंकि यहां पर सूरज पहले निकलेगा और यहां पर दो घंटे बाद निकलेगा तो यहां पर सूरज निकला मतलब बारह बज गए जब इसके हाइस्ट पीक पर सूरज आएगा यहां पर बारह बज गए अब यहां पर तो बारह बजे नहीं है लेकिन इंडियंस तो यहां भी रह रहे हैं और इंडियंस यहां पर भी रह रहे हैं ठीक है तो यहां पर मान लो लोकल टाइम के हिसाब से अभी दस बजे हैं जब सूरज यहां पर आएगा यहां पर दो घंटे बाद आएगा यहां पर दस बजे हैं और फॉर एग्जाम्पल यहां से कोई ट्रेन चली ट्रेन को यहां से लेकर यहां तक आना है ठीक है गुजरात तक आना है यहां से ट्रेन चली तो यहां पर रिश्तेदार रह, रह रहे हैं किसी के ठीक है आपका फ्रेंड रह रहा है या फिर आपका रिश्तेदार रह रहा है तो वो क्या बोलेगा कि बारह बजे ट्रेन निकली है यहां से और दो घंटे बाद आपके पास पहुंच जाएगी ठीक है तो वो दोस्त क्या बोलेगा ठीक है दो घंटे बाद मेरे पास आ जाएगी तो वो कहेगा कि दो घंटे बाद यहां पर दो बज जाएंगे दो बजे तक आपके पास आ जाएगी अब जब उसने ये वाले बारह बजे वाली बात बोली तो यहां पर कितने बज रहे थे यहां पर तो दस ही बज रहे थे उसने तो बारह बजे वाली बात बोली अब दो घंटे में जब ट्रेन यहां पर पहुंची तो यहां पर तो बारह ही बजे दो घंटे बाद दस ग्यारह बारह बारह बजे अब यहाँ पर बारह बजे ट्रेन पहुंची और बारह बजे यहाँ से ट्रेन निकली थी तो ये कितनी कन्फ्यूजन होगी देखिए बारह बजे दे ट्रेन निकली थी और बारह बजे यहां पर पहुंची लोकल टाइम के हिसाब से ठीक है यहां पर तो और इसकी घड़ी में कितने बज गए जहां से ट्रेन निकली थी उसकी घड़ी में दो बज चुके हैं अब यहां पर दो बज गए वहां पे अभी बारह बजे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है इसमें ठीक है और अगर आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल और दो बर्थडे विश का फॉर एग्जाम्पल आपका फ्रेंड यहां पर रह रहा है कोई और आप यहां पर रह रहे हो आपका बर्थडे है अब आपकी घड़ी में दस बज रहे हैं अब दो घंटे बाद आपका बर्थडे है लेकिन उसकी घड़ी में दो बारह पहली बज गए दो घंटे पहली क्योंकि उसकी घड़ी के जो लोकल टाइम के हिसाब से यहां पर बारह पहले बज गए अब वो आपको बारह बजे विश कर देगा आप कहेंगे कि अभी से विश क्यों कर दिया अभी तो दस ही बजे ठीक है तो देखिए फिर दोबारा से कंफ्यूजन होगी तो यहां पर जो है इतनी लोकल टाइम होने की वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है तो इसलिए हमको पूरे इंडिया का एक स्टैंडर्ड टाइम मानना चाहिए ताकि जितने भी इंडियंस हैं उनकी घड़ी में एक ही समय पर एक ही टाइम दिखाया हुआ हो ठीक है यानी कि अगर 12 यहां पर बज रहे हैं तो 12 यहां पर भी बजने चाहिए और कंट्री के किसी भी हिस्से में हर किसी की घड़ी में जो है बारह ही बजने चाहिए उसके लिए हमने एक आ, इस वाले आ, ये जो लाइन है 82 डिग्री 30 मिनट दिख नहीं रहा होगा मैं लिख देता हूं 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट ये जो लॉन्गिट्यूड है इसको हमने क्या माना है अपना इंडिया का इसको हमने माना है स्टैंडर्ड टाइम इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है ये इंडिया का क्या है स्टैंडर्ड टाइम ठीक है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि जब सूरज इसके हाईएस्ट पीक पर होगा मतलब सूरज की जब सीधी सीधी किरणें इस वाले लोंगिट्यूड पर आएगी तो यानी कि यहां पर बारह बज रहे हैं ठीक है यहां पर कितने बज रहे हैं बारह यहां पर नून हो रही है यहां पर मिड डे हो रहा है जब हाइएस्ट पीक पर यहां पर सूरज होगा एट्टी डिग्री थर्टी मिनट ईस्ट पर तो यहां पर क्या होगा यहां पर एक घंटा ज्यादा दिखाएगा यानी कि यहां पर कितना होगा यहां पर एक बज रहा होगा ठीक है और यहां पर एक घंटे पीछे है यहां का एरिया ठीक है तो यहां पर कितना टाइम हो रहा होगा यहां पर ग्यारह बज रहा होगा ठीक है तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहां के जो लोग हैं यहां पर जो इंडियंस हैं वो भी अपनी घड़ी में बारह बजा लें यानी कि वो एक घंटा पीछे कर ले अपनी घड़ी को ठीक है वो सब अपनी घड़ी में कितने बजा लें बारह और यहां पर जो लोग रह रहे हैं जिनकी घड़ी में ग्यारह बजने चाहिए लोकल टाइम के हिसाब से वो अपनी घड़ी को एक घंटा आगे कर ले वो भी अपनी घड़ी में कितने बजा ले वो भी बारह बजा ले तो इन लोगों को वेस्ट के जो लोग हैं वेस्ट पे जो इंडियन है वो अपनी घड़ी को चेंज करके एक घंटा उसमें प्लस कर लें और जो ईस्ट के लोग हैं जहां पर सूरज पहले निकला है वो अपनी घड़ी में एक घंटा यानी कि माइनस कर ले तो पूरे इंडिया में बारह बज जाएंगे ठीक है तो पूरे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम क्या निकलेगा वो ट्वेल्व निकल जाएगा तो ये बेसिक से इसमें फंडामेंटल से ये आपको समझ में आने चाहिए अब एक बार इसको रीडोर कर देता हूं ठीक है इन इंडिया फॉर इंस्टांस देर विल बी अ डिफरेंस ऑफ वन आवर एंड फोर्टी फाइव मिनट इन लोकल टाइम्स ऑफ द्वारका गुजरात एंड धीरोगर इन आसाम ठीक है यहां पर लगभग लगभग यहां से अगर हम चले और आसाम तक चले तो एक घंटे पैंतालीस मिनट का है अगर हम पूरे लास्ट तक चले जाए तो लगभग लगभग दो घंटे का गैप है ठीक है तो लोकल टाइम में इतना गैप है लेकिन इट इज देयर फॉर इसलिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ी एक स्टैंडर्ड टाइम अडोप्ट करने की हमको जरूरत पड़ी ठीक है नेसेसरी टू अडोप्ट द लोकल टाइम ऑफ सम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ कंट्री अब हमारी पूरी कंट्री का सेंटर में हमने यहां पर एक सेंट्रल मेरिडियन लाइन खींची जो लाइन किस पर थी एट्टी डिग्री 30 मिनट ईस्ट पर थी तो ये क्या हो गया हमारा सेंट्रल मेरिडियन ऑफ कंट्री हो गया जो कि हमारा आईएसटी हो गया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ये हमारा आईएसटी हो गया ठीक है सो इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ये हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है द लोकल टाइम द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर होल कंट्री ठीक है अब लोकल टाइम क्या है यहां का जब यहां पर सूरज आएगा बिल्कुल इसके पीक पर तो यहां पर 12 बज जाएंगे लोकल टाइम के हिसाब से तो यानी कि पूरी कंट्री में उस टाइम पर 12 ही बजने चाहिए सो द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द होल कंट्री इट इज नोन एज आई एस टी आई होप कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से अब ये समझ में आ गया है नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं अब मैं अब देखिए कबीर लिव्स इन ए स्मॉल टाउन नियर भोपाल अब जब हम एक कंट्री की बात करते हैं तो हमने एक कंट्री में एडजस्ट कर लिया एक एवरेज निकाल लिया एक स्टैंडर्ड टाइम निकाल लिया ठीक है एक घंटा जो ईस्ट वाले लोग थे उनको पीछे कर दिया और जो वेस्ट वाले लोग थे उनको एक घंटा आगे कर दिया लेकिन जो दूसरी कंट्री है वो तो इस तरीके से नहीं चलेंगी आपने अपनी कंट्री में तो ये चीज़ लागू कर दी लेकिन जो दूसरी कंट्री है फॉर फॉर एग्जाम्पल इंग्लैंड मान लो इंग्लैंड तो आपसे बहुत ज्यादा लैटिट्यूड में पीछे है ठीक थी, है तो वहां पर क्या होगा और इस फिनोमिना को हम कैसे समझते हैं आइए उसके बारे में समझाता हूं आपको अब एक लड़का है कबीर वो भोपाल में रहता है भोपाल यानी कि इंडिया के अंदर एक स्टेट है वहां पर रहता है भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश में रहता है कबीर ठीक है ही टेल्स हिज फ्रेंड आलोक दैट दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप टू अब कबीर क्या है कबीर क्रिकेट का फैन है क्रिकेट देखना उसको बहुत पसंद है तो वो अपने दोस्त से क्या बोलता है अपने दोस्त से बोलता है कि आज रात को मैं सो नहीं पाऊंगा तो उसका दोस्त कहता है भाई आज रात को क्यों नहीं सो पाओगे तो वो कहता है कि आज रात को क्रिकेट का मैच आएगा ठीक है क्रिकेट का मैच जो कि कहाँ पे चल रहा है इंग्लैंड के अंदर चल रहा है ठीक है इंग्लैंड के अंदर यानी कि मैच चल रहा है यहां पर ठीक है और यहां पर जो कबीर है वो इस मैच को देखेगा नाइट में जबकि जो यहां पर मैच चल रहा है वो चल रहा है दो पी यानी कि दोपहरी में मतलब जो मैच चल रहा है वो दोपहरी में चल रहा है यहां पर इंग्लैंड में और इंडिया में वो देखेगा नाइट में यानी कि रात में अब ये कैसे पॉसिबल है अभी ये आपको बताता हूं ये कैसे पॉसिबल है ठीक है सो इंग्लैंड हैड स्टार्टेड एट 2 पी इन लंडन दिस मींस दैट द मैच वुड बिगिन 7:30 थर्टी पी इन इंडिया एंड फिनिश इन द नाइट अब ये इस तरीके से पॉसिबल है देखिए हमने देखा था कि हमारा जो आ, इंग्लैंड है उसके ऊपर से हमारा जीरो डिग्री जाता है यहां से क्या है जीरो डिग्री अब इधर के जो ईस्ट है ये 180 डिग्री तक जाएगा 180 डिग्री तक जाएगा और वेस्ट से भी 180 डिग्री तक जाएगा ठीक है और और जो पंद्रह डिग्री है वो एक घंटे में घूमती है तो हमारी पृथ्वी ईस्ट वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमेगी ठीक है वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमेगी तो ईस्ट की तरफ के जो कंट्री है वहां पे सूरज पहले निकलेगा और जो ईस्ट के इधर की कंट्री है वहां पे ईस्ट जब ईस्ट में निकल के ईस्ट अंधेरे की तरफ जाएगा तो यहां पर वेस्ट की तरफ उजाला होगा ठीक है अब देखिए अब हमारा इंडिया है इस तरफ तो इंडिया में जो है उजाला पहले होगा यानी कि यहां पर अगर सूरज है और सूरज की रोशनी आ रही है तो इंडिया के अंदर उजाला पहले, पहले पह आएगा यानी कि सनराइज यहां पर पहले होगा और इंग्लैंड में सनराइज बाद में होगा ठीक है इंग्लैंड में क्या होगा सनराइज बाद में होगा लेकिन इंग्लैंड ने जो है अपने वहां पर मैच रखवाया दो बजे यानी कि दोपहर को जब इंग्लैंड में दोपहर होगी तो इंडिया ऐसे घूम के पीछे चला जाएगा यानी कि इंडिया में लगभग लगभग कितने बज रहे होंगे उस टाइम पे सेवन थर्टी पी इंडिया चले जाएगा उस टाइम इवनिंग या फिर नाइट की तरफ अब जब इंग्लैंड जब इंग्लैंड में दो बजे मैच शुरू होगा तो इंडिया में सेवन थर्टी बज जाएंगे अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो मान लो घंटे का मैच हुआ तो दो घंटे दो बजे शुरू हुआ तो छह घंटे तक चलेगा आठ बजे तक चलेगा ठीक है और अगर साढ़े सात बजे शुरू हुआ तो वो फिर नाइट में ही जाके खत्म होगा एक दो जाएंगे उसको रात हो जाएगी तो वो इसलिए बोल रहा है कि मैं आज रात को सो नहीं पाऊंगा ठीक है तो ये लॉजिक था इसके बीच में क्योंकि हम टाइम को तो एडजस्ट कर सकते हैं लेकिन जो सन की जो रेज आ रही है सन की जो रोशनी है उसको एडजस्ट नहीं कर सकते क्यों क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है एक तो हम उसको घूमते हुए नहीं रोक सकते पृथ्वी तो अपनी स्पीड से घूमेगी जो रोशनी आ रही है सूरज की उसको भी नहीं रोक सकते वो तो आएगी तो ईस्ट में पहले आएगी और वेस्ट में बाद में आएगी क्योंकि पहले ईस्ट का एरिया सूरज के सामने जाएगा फिर वेस्ट का एरिया क्योंकि हमारी पृथ्वी इस तरीके से रोटेट करती है आया आपको समझ में वेरी गुड सो डू यू नो वट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड अब इंडिया और इंग्लैंड के बीच में कितना डिफरेंस है अब यह आपको मेरे को बताना है कमेंट करके ठीक है इंग्लैंड इंग्लैंड मान लो यहां पर जीरो डिग्री पे है तो इंडिया जो है इंडिया का कितना इंडिया कितने टाइम आगे है इंग्लैंड से ये आपको मेरे को बताना है यानी कि इंडिया का जीएमटी बताना है आपको जीएमटी कितना है इंडिया का ग्रीनविच मीन टाइम इंडिया का ग्रीनविच मीन टाइम कितना है ठीक है वो आपको मेरे को कमेंट बताना है नेक्स्ट स्लाइड में मैं, आ, मैं आपको बता दूंगा तो यहां पर इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट एट डिग्री थर्टी मिनट ईस्ट अब इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम क्या है वो यहां इस वाली लाइन से होकर जाता है ठीक है लाइन किस degree, पर है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पर है ठीक है ईस्ट ग्रीन पे। पर हो गया जीरो डिग्री इंग्लैंड से होता तो हुआ अब ईस्ट की तरफ है इंडिया का क्या प्राइम मेरिडियन टाइम ठीक है इज फाइव आवर एंड थर्टी मिनट हैड ऑफ जीएमटी अब इंडिया कितनी जीएमटी uh, आ गया है इंग्लैंड से साढ़े पांच घंटे ठीक है जब इंग्लैंड के यहां पर बारह बजेंगे लंडन में तो इंडिया में उस टाइम पर साढ़े पांच बज रहे होंगे ठीक है तो साढ़े पांच घंटे आ गया है इंडिया कहां से लंडन के टाइम से ठीक है तो यही था इसमें सो अगर हम जीएमटी की फुल फॉर्म की बात करें जीएमटी होता है ग्रीनविच मीन टाइम जो कि इसको पहले बुलाते थे इसको एक ही नाम एक और नाम से जानते हैं यूटीसी यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड ठीक है UTC, तो अलग अलग कंट्री का अलग अलग हम यूसीटी या फिर जीएमटी निकाल सकते हैं यहां से यहां से ठीक है सो इट विल बी 7:30 थर्टी पी इन इंडिया वेन जब दो बजे लंडन में मैच शुरू होगा तो इंडिया में साढ़े सात बजेंगे तो ये सिंपल था इसमें मैथ से तो ये कॉन्सेप्ट हमको पता होना चाहिए ठीक है सम कंट्रीज हैव अ ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड एंड सो दे हैव अडोप्टेड मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडिया के अंदर जो है लगभग लगभग थर्टी डिग्री का गैप है उसकी चौड़ाई में इसकी जो चौड़ाई है इंडिया की ठीक है यहां पे देखिए इंडिया की चौड़ाई में जो है लगभग लगभग 29 डिग्री का गैप है तो हमने एक एक घंटा एडजस्ट कर लिया एक घंटा पीछे आ गए एक घंटे यहां पर आगे कर दिया और जब जितना टाइम यहां पर होगा वही पूरी कंट्री में टाइम होगा ठीक है तो इसमें तो हमने एडजस्ट कर लिया बहुत सी कंट्री ऐसी होती है कि इंडिया से भी काफी बड़ी होती है फॉर एग्जाम्पल ये इंडिया छोटा सा है ठीक है अब रशिया का देखिए रशिया देखिए कितना बड़ा है रशिया देखिए अब वह एक घंटे आगे पीछे करके एडजस्ट तो कर नहीं सकता तो उसने जो है अपनी कंट्री के लिए बहुत सारे क्या बना लिए टाइम जोन बना लिए अब यहां पर देखिए यह है रशिया का पूरा मैप ठीक है ये नीचे रशिया का पूरा मैप है और अगर हम एशिया में बात करें तो रशिया इधर है ऊपर नॉर्थ की तरफ है ठीक है अब देखिए कितना बड़ा है इंडिया छोटा सा इंडिया की कंपेयर में देखिए कितना बड़ा है तो इसने जो है अपने टोटल इलेवन इलेवन स्टैंडर्ड टाइम्स निकाल लिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन अब एक ही कंट्री के अंदर इलेवन टाइम जोन्स हैं यानी कि इस एरिया में सबकी वॉच में एक टाइम होगा इस एरिया में एक होगा इस एरिया में एक होगा तो अलग अलग इलेवन टाइम जोन्स हैं तो इलेवन एरियाज में सेम उन, उन, उनके वहाँ का जो है टाइम होगा ठीक है जो एक जोन में होगा वही सबका ए, उस एरिया के सारे जो पीपल है उनका एक ही टाइम होगा यह कहने का मतलब है ठीक है सम कंट्रीज हैव अ ग्रेट लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट एंड दे हैव एडोप्टेड मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम जैसे हमने रशिया का एग्जाम्पल देखा रशिया इतना ज्यादा उसका जो एक्सटेंट है वो कितना चौड़ा है रशिया वृत्त में तो उसका जो 11 है इलेवन स्टैंडर्ड टाइम है ठीक है और यहां पर एक और फैक्ट है हमारी जो पृथ्वी है पृथ्वी के ऊपर पृथ्वी को अगर हम डिवाइड करें तो उसमें ट्वेंटी फोर टाइम जोन्स निकलेंगे ठीक है एक आवर के अंदर यानी कि अगर हम देखें ये जो टाइम जोन्स हैं मैंने आपको सिंपल सी मैथ बताई थी कि चौबीस घंटे में कितना घूमता है थ्री सिक्सटी ठीक है तो पंद्रह डिग्री एक घंटे में घूम जाता है तो पंद्रह पंद्रह डिग्री के हमने क्या बना लिए ट्वेंटी फोर टाइम जोन्स बना लिए ठीक है पंद्रह डिग्री का एक पंद्रह डिग्री का एक पंद्रह डिग्री का एक पंद्रह डिग्री का एक तो ट्वेंटी फोर टोटल हो जाएंगे और ट्वेंटी फोर में थ्री थ्री सिक्सटी डिग्री वो घूम जाएगा तो यही था इसका मतलब द अर्थ हैज बीन डिवाइडेड ट्वेंटी फोर टाइम ऑफ वन आर ईच और ईच जोन एक एक जो जोन है ये वाला पूरा एक जोन हो गया ये ठीक है ये इसके बाद दूसरा फिर तीसरा जोन हो गया फिर चौथा फिर पांचवा जोन हो गया तो एक जोन पंद्रह डिग्री का है एक जोन पंद्रह डिग्री का है यानी कि एक घंटे में इतनी पृथ्वी घूम जाएगी So each zone does cover 15 degree of longitude ठीक है तो आई होप कि आपको ये वाला चैप्टर काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गया ये हमारा आज की लास्ट टॉपिक थी इस वाले चैप्टर की अब हम कल से मोशन ऑफ द अर्थ जो हमारा थर्ड चैप्टर है वो कवर करेंगे अगर आपको इतनी सी भी इसमें कोई क्वेरी हो या आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं हमारी इंस्टाग्राम की आईडी पे जा सकते हैं और मैं अपनी पूरी रिसर्च करके उसका आपको आंसर दूंगा ठीक है सो so, ये थी हमारी इंस्टाग्राम की आईडी फॉलो कर सकते हैं अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं और सो थैंक यू बाय बाय